हेलो। हेलो हेलो हेलो। हाँ सर, नहीं सर, वॉइस ब्रेक आ रहा है सर। वॉइस की ब्रेक हो। हेलो हेलो। हाँ मैडम, आवाज दे दो का सर आवाज ये तो अपन ब्रेक वो होता है ना सर। क्लियर अत आवाज क्लियर है हो सर, क्लियर आए। ओके नाउ इट इज ऑडिबल। ओके यस इट इज विजिबल क्लियर। या गुड इवनिंग ऑल द मेंबर्स। थैंक्स टू पार्टिसिपेंट ऑन दिस वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड फास्टेस्ट मीटिंग फॉर फिब। आज का जो फिब मीटिंग है ये थोड़ा सा फास्टेस्ट हो गया था बिकॉज ऑफ सम रीजन। जो ये हुआ है बिकॉज ऑफ द स्टार्टअप वी आर कंडक्टिंग दिस मीटिंग फॉर दैट। उससे पहले बिफोर स्टार्टिंग द मीटिंग्स आई एम जस्ट इंट्रोड्यूसिंग फिब। व्हाट इज द फिब? फिब इज द फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एंड प्रोफेशनल्स व्हिच वर्क फॉर द एसएमईज बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स एंड business who are doing a work for India. Business this FIB has their own few branches. इनका खुद का FIB का अपना एक कुछ branches है, जैसे business network है, business sports है, business digital, business कट्टा, business youth और business woman। ये business network यहाँ पे जो होता है networking से एक दूसरे से reference मिलते हैं, सब एक दूसरे को मिलते हैं। business sport जो है यहाँ पे भी सबको मिलना है और व्हाट्सएप है, ऑनलाइन है, सब कुछ है। ये इसके अंदर सारे जो मेंबर्स है अपने एंटरप्रेनर्स हैं वो एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को रेफरेंसेस देते हैं। बिजनेस कट्टा और बिजनेस डिजिटल जो है, बिजनेस डिजिटल इज अ प्लेटफॉर्म वेर यू कैन पोस्ट योर प्रोडक्ट्स, रिक्वायरमेंट, इंक्वायरीज। बिजनेस कट्टा ये है कि वीकली एक मीटिंग होती है इवनिंग में, जहाँ पे हम लोग सब लोग मिलते हैं और एक दूसरे के बिजनेस आइडियाज शेयर करते हैं। बिजनेस यूथ ये जो है, ये हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जो एंट्रोप्रेनर है, जो नेक्स्ट जनरेशन, जो नवनाथ सर का ड्रीम है कि वी वांट टू बिल्ड अ 5 लाख एंट्रोप्रेनर फॉर नेक्स्ट कमिंग 10 ईयर्स, तो वो उसके लिए ये यूथ विंग काम कर रही है। बिजनेस वुमन या और हम लोग जो इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ड्रीम फ्रॉम द मोदी सर व्हिच दे हैव गिवन ऑन इन 2014 टू ग्रोथ इंडियन वुमन एंड एंटरप्रेनर इन द इंडस्ट्रीज। ये फिप की लीडरशिप टीम है जिसमें मिस्टर नवनाथ देवकर इज अ फाउंडर एंड डायरेक्टर्स, उर्मिला देवकर इज डायरेक्टर्स, आई एम विजय चंदन क्रिएटिव डायरेक्टर, योगेश सुंदर डायरेक्ट कंसल्टेंट्स एंड मिस्टर शांतनु इज नेटवर्क लीडर सर। फिप जो फिफ का जो ये यूनिकनेस है, मल्टी स्टेक होल्डिंग ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेस इंडस्ट्रीज, बिजनेस एंड प्रोफेशनल्स हु शेयर्स द कम्युनिटी टू शेप्स द फ्यूचर ऑफ द इंडस्ट्रीज। अबाउट द फिफ सर, फिफ हैज स्टार्टेड इन 2020 फॉर द रूरल एंड द स्मॉल एंड इंडस्ट्रीज, मीडियम इंडस्ट्रीज, बिजनेसमैन मूवमेंट अक्रॉस द कंट्री। फिफ इज द वॉइस ऑफ द इंडियन इंडस्ट्रीज, जहां पे दैट मींस यहाँ पे जितने भी इंडस्ट्रीज प्राइवेट है, पब्लिक है, इनके साथ में कोलाबरेट करके काम करना, नेटवर्किंग करना, ये एसएमई के लिए इन ये प्लेटफॉर्म रेडी किया गया है। व्हाट इज द डीएनए ऑफ द फिप? द डीएनए ऑफ द फिप इज सस्टेनेबल ग्रोथ, एम्पावर एंड क्रिएशंस। पर्पस ऑफ दिस टू एंश्योर कंडीशंस वैल्यू क्रिएट फॉर द ऑल द कोलाबरेटर्स, जो भी इसके अंदर जुड़ेंगे सबके लिए यहाँ पे वैल्यू क्रिएट होना जरूरी है।
and visionary to grow economically, develop leadership for the national growth about the entrepreneurships. Yani yahan pe jitne bhi small SMEs hain, business entrepreneur hain ya leaders hain, inka growth aur inka activities ke andar jo bhi support hai, that will really provide you. And about FIB, mission is this: create a world class body for influencers, powerful industrials, entrepreneur, business and professionals to provide a platform to 5 lakh SMEs for economic empowerment. It is including the youth and the women also. The core objective is the interactive trainings, learning, mentoring, inspiration and promotion of collaborations, partners and investors, inviting the group meeting, innovation of inviting for the webinar, seminars, workshops, conferences, exhibitions, roadshows, provide a platform for networking relations and building across the cities and countries, to develop mechanism of the referral connection and the leading generations, to take innovation business conclaves with the other chambers of commerce, industrial associations and professional associations. Our core objective is to found the rich industries and professionals group, to promote a digital marketing with the social media, to promote a health, social, environment activities, to create a platform for buyers and sellers, to create a multiple industry sectors for the business and professionals, to support industries or policy change or policy recommendation along with the government and discussions for the futures. FIB ki jo platforms hai sir, ye business network, business force, business digital, business katta, business youth aur business woman hai, jisse aage bataya gaya tha. बिजनेस के ऊपर आज के तारीख में जो मेंबर्स है 40,000 जीएसटी प्रैक्टिशनर्स, 1500 आईआईटी एक्सपर्ट्स, 9,000 प्लस डिफरेंट वेरियस इंडस्ट्रीज, यहाँ पे वीकली मीटिंग्स होती हैं. यहाँ पे बिजनेस जो फिफ का फर्स्ट चैप्टर शुरू हुआ था 1 फरवरी 2021, उसमें अभी तक 24 मेंबर्स एनरोल हुए हैं, 590 रेफरल्स इन्होंने जनरेट हुई है, ऑलमोस्ट 65 लैक्स का बिजनेस एक दूसरे को हम लोग ने जनरेट करके दिया है. एंड नेक्स्ट प्लानिंग इज द 10 चैप्टर्स इन पैन इंडिया विदिन अ शॉर्ट वाइल. आज का जो टॉपिक है वो है स्टार्टअप डे. जैसे आप सब लोग को मालूम है इन 2014 में मोदी साहब आके एसएमई और स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को प्रमोट करने का काम उन्होंने शुरू किया था, तो उसके चलते ही कल मोदी साहब ने 16th जनवरी यानी आने वाला कल मंडे इट इज डिक्लेयर एज द एसएमई डे फॉर इंडिया नेशनल डे. इट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड इट इज अ ग्रेट वैल्यूअर फ्रॉम द मिनिस्ट्री दैट दे आर डिक्लेयर दैट 16th जनवरी इज फॉर अवर सेल्फ, यानी हमारे लिए उन्होंने वो डे डिक्लेयर किया है. उसी के चलते हुए आज का सेशन है. मैं इसका आगे के लिए आई एम हैंड ओवर टू मिस्टर शांतनु सर, हु कैन गिव यू ए स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ मिस्टर मित्रा हु इज द टुडे स्पीकर. थैंक यू, ओवर टू शांतनु सर. थैंक यू विजय जी. लेट मी इंट्रोड्यूस, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी नेशनल स्टार्टअप डे सेलिब्रेशन. दिस इज एक्चुअली अरेंज्ड बाय FIIP, फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एंड प्रोफेशन. And for that, we have our guest today, Mayur Mantri ji. Let me introduce Mr. Mayur ji. Mayur Mantri, born in Marwadi family from Latur, Maharashtra, belongs to Marathwada, hence very hardworking and enthusiastic personality we have got today. He have SSC education from Keshavraj Vidyalaya, Latur. Then after SSC, he has completed his HSC education from Rajashri Shahu College, Latur. Again, secured 100% marks in accounting subject, which now become his expertise of after becoming chartered accountant. So by profession, he is a chartered accountant and done graduation from Garhwari College of Commerce, Pune in 2009. Become chartered accountant in May 2012 batch and started practice immediately after July 2012. So now specification is project finance, private equity, government assistance and subsidy, business coach and providing consultancy for various financial services for growth of MSME and small corporate. Today our topic is National Startup Day celebration. In which our speaker guest Mayur Mantri ji explain about following. Now, current startup ecosystem in India, that is, then role of startup founders and core team
at early stage. Various government initiatives for startup and government assistance subsidy schemes for MSME, top funded startup in 2020 and 21, learning from successful and unsuccessful business stories. So that is also very, very important. So we have got a perfect speaker, perfect guest speaker for this National Startup Day. So I welcome Mayur Mantri ji, and he will proceed about his subject. Thank you, Mayur ji. Over here. Thank you. Thank you, Shantanu ji, and thank you, Vijay sir, and also all FIP team for inviting me on this special day, the National Startup Day. It was very fortunate for me to be present in such a short notice, and it was yesterday when our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji has declared, looking towards the recent developments in the startup and their contribution to the Indian ecosystem. So today we have organized and everybody has joined. Also, the Facebook Live is going on. So who are not able to join on the Zoom, they are seeing this video on this live event on the Facebook Live. So I thanks the FIP team, and I think today is the 16th of January 2016, our Startup India scheme has been launched. And after successful completion of this 6 years, now today our Prime Minister declared as a National Startup Day. And henceforward, every startup will be celebrating this day as a National Startup Day. So it's our proud moment to be part of this event. And I welcome you, all of you, in this today's celebration. And thanks, Navnath sir, and all the team. So shall we proceed, sir? And my voice is audible. It is yes, clear. Yes. Voice is clear. Thank you, sir. Thank you. तो सर देश का पहला स्टार्टअप डे हमने स्टार्टअप इंडिया स्कीम तो 6 साल पहले चालू कर दी थी बट आज हमने जो अचीवमेंट की है इसलिए आज हम प्राउडली कह सकते हैं कि ये हमारा देश का पहला स्टार्टअप डे है सो आई कांग्रेचुलेशन ऑल द स्टार्टअप एंड देयर फाउंडर्स एंड ऑल द बिजनेस ग्रुप एमएसएमई एंड ऑल द मेंटर्स हु हैव कंट्रीब्यूटेड फॉर अचीविंग दिस माइलस्टोन एंड होप वी विल बी द नंबर वन इन द world in coming days under the this startup on this. So, as told by Shantanu sir and Vijay sir, I am the chartered accountant and I have the experience in working with the startup. I am the financial expert. I also like to be a mentor to various startup and my ultimate aim of life is to set up at least 100 successful startup. So I think today we will learn various things. So not wasting the time further, we will start on our main topic. So National Startup Day. Sir, before going ahead, I just want to say something regarding our India, which we call the land of diversity and the land of great opportunity. Now, after the COVID pandemic, everybody knows there are some pros and cons. There are some positive and negative effects in our economy, in our business. So today we will discuss on all these parameters and we'll see how our business, our idea to become unique and how we can go ahead with our unique business model to achieve this goal and participate in this journey. So, sir, this 2022 have, as per my knowledge and as per my experience, it is a great opportunity and it will give various opportunity to our business and to our entrepreneurs who want to work as a businessman.
India have, sir, very much creativity, and the strength of Indian ecosystem is normally known for an innovation. जीरो का आविष्कार भी इंडिया में हुआ है और आज पूरी दुनिया हम देख रहे हैं कंप्यूटर का युग हो या आगे हम बोलते बाइनरी सिस्टम पे जो चलता है जीरो एंड वन पे ही, तो हर एक चीज का आविष्कार इंडिया में बहुत हमारा इंडियन हिस्ट्री है, हमारा एक कल्चर है, हमारा एक ट्रेडिशन है जहाँ पे एक लीगेसी हमने बरकरार रखी है. तो सेम स्टार्टअप इंडिया में और स्टार्टअप वर्ल्ड में इंडिया पीछे कैसे रह सकता. सो नाउ टुडे वी विल डिस्कस हाउ दिस जर्नी स्टार्टेड. सो इंडियन स्टार्टअप कल्चर एंड द इंडियन गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर आवर यूथ एंटरप्रेनर्स देन आवर इनोवेटिव स्टूडेंट हु वांट टू इनोवेट सम यूनिक थिंग्स हु वांट टू मेक अ करियर आफ्टर दियर एजुकेशन एंड we have very great institutional mechanism in India which gives the handholding support. Some of the incubators are there who want to support the startup, and also this whole process starting from idea till successful business, this journey is very beautiful. Unfortunately, due to some lack of infrastructure and lack of training and awareness in early stage, many of them not become successful because there are various parameter and there are various reasons for that. But today we will focus on all these parameter, how we can be a successful startup and how the some of the startup has become unsuccessful and what is the reason behind that, so that we can learn from them also. So going ahead, in 2016 our Department of Promotion and Industry and Internal Trade, it is a department under a Ministry of Commerce and Industry, had started the seed fund scheme under which 10,000 crore rupees has been made a initial corpus fund, which will be utilized for the as a venture capital and which will be a funding support from the government to these startup in the early stage. Also, various government schemes and various government policies are now going to formulated in such a way that each government department and ministry is going to work in according with and in as per the requirement of the startup. So this is what a benefit of today's Indian ecosystem and Indian startup ecosystem, where if we start our new business, if we start with a unique idea, we will get this opportunity which a few years ago are not available. So definitely we will get this benefit in this environment, in this era. Also, it is a great honor for all of us that our Global Innovation Index was at number 81 in 2015, but now in 2021, we are come to at 46 number. So ace of doing business, and it is an international ranking, and India is at now 46, and very soon we will be also in top 10. So this was a globally world is looking at India having a great opportunity. A foreign investor want to invest, but they have some procedure, and just I have said due to some lack of information and processes and handholding support, we are not able to approach, or we are not able to connect to these international funders, investors, and through this today's event, I hope every startup, every idea having a great potential of business will able to approach to these investor so that they will get financial support and they will become a successful business. So just to conclude about this initial startup system, we can say that our startup is the backbone of our new India, our Indian ecosystem, and it will contribute very much in the coming future. Now,
today we will learn some 5 topics in which we will see a current startup ecosystem in India, how the startups world is working, then a role of a startup founder who has founded the startup, who are working on some unique idea, innovative idea, some innovative business model, and their core team. So what is their role at the early stage when there are various issues? There is a lack of funding, there is lack of technology, lack of team coordination, market presence, then initially expenditures are more, sales are very less. So there are various challenges are there. How we can plan this early stage? Because once the our startup or once our business is set up, then I think later on the we can improve our processes, we can improve our business system, and accordingly we will have a great opportunity to achieve our goal. Same to support this whole process, various government initiatives are there for the startup, and government assistance are there, some of the government subsidies for the startup and MSME that we will look, and also a top funded startup in India in 2020 and 21. So we will also look out that and how they will able to achieve this milestone, and afterwards learning from successful and definitely unsuccessful. There are two sides of the coin. So we'll start today's first topic, the current ecosystem of startups in the India. So let's start with the decoding the Indian ecosystem. Before going ahead, I have one question with all of you. How many of you are willing to start a new business, or how many of you have idea and not able to start working due to some lack of knowledge or lack of support you require? So just mention in the chat box. I am happy to interact with all of you. How many of you are interested to start a new business or work as a startup in coming days? So just mention in the chat box. Vijay sir is saying, yeah. Prashant sir. So sir, whenever we are thinking to work on an innovative idea, first we have to understand in which environment we are going to start our business or start our startup. So what is this environment? We will call it as an ecosystem. So this ecosystem, this Indian environment is very suitable right now for the businessman due to various benefits the government has initiated. We have a Startup India, which was launched in 16th of January 2016. Afterwards, Make in India to boycott the China and to make India Atmanirbhar, our government has launched the Make in India initiative. Also, we have an Atal Innovation Mission where our students who have very good idea can participate in this Atal Innovation Mission and share their idea and convert this idea into a successful business. Also, we have a government e-marketplace startup runway where the startup can participate to do a business with the government. Also, we have Government of Maharashtra have Maharashtra State Innovation Society, who gives a support to registered their patent as a intellectual property rights, and which give a benefit up to 2 lakhs rupees to a domestic patent, and to a international patent 10 lakh rupees assistance will be given from the Maharashtra State Innovative Society. And they have also simplified the whole process so that any startup can register their patent, because you know the benefit of your idea. Once it is everybody, we are now using the WhatsApp, we are using the
Zoom meeting. Currently, we are making a live webinar. So WhatsApp is registered their whole software process, and they have patented, they have done their trademark, so that on the basis of which they are currently doing. So you know better value of your idea, value of your benefits. So I recommend every concept, every business should be get registered, so that your interest will be protected. And in future, if you want to expand your business, that time this copyrights, patents will definitely give a very huge revenue in the form of royalty, in the form of business association. So definitely every startup who registered definitely should get a benefit of this scheme and get their patent registered. Also, I wish to here highlight that India is the third largest startup ecosystem in the world after China and USA. There are some reasons behind that. In next slide, we will discuss in detail. Also, as on date, India has created a value approximately $140 billion and growing at 270% in last 6 years. This is very great. No industry currently working in such a great percentage. The growing percentage, you can say 270% growth we have seen in this startup. So this is have a great opportunity to working in this startup ecosystem in India. And also it is very honorable for, and it is very proud to say that our Mumbai is the first in the top 10 emerging global startup ecosystem. Pure world mein, Mumbai is only the city which ranks at first in the top emerging global startup ecosystem. Jitne bhi world mein sabse innovative startups hote hai, usme sabse jyada Mumbai mein hai, which is a, I think, a part of very great movement. And we are also working in the state of Maharashtra. Hum Chhatrapati Shivaji Maharaj ke bhoomi mein aaj hum business karna chahte hai. So it has a very great opportunity. We have various technology, we have support from the state government, from the central government. So everybody should prepare their plan in such a way so that we will get the benefit of all of this, and also focusing on the our future business. So here we can say a world largest economy. Just I have said, we have a USA, China. Currently, as per our economy, India ranks at 6th number. First number is USA, then China, then Japan, then Germany, then UK, and afterwards 6th number is India. India currently have a GDP of $3 trillion, and China has a $16 trillion, and USA has a $22 trillion. So definitely when we are saying we have to beat the China, so our gap is very big. Currently we are at a $3 trillion, and we have to cross the $16-17 trillion. So our government is currently working to have a target of $5 trillion. Aap bahut baar sune honge news mein, channels mein. Hamare prime minister bhi bolte hai ki hame $5 trillion dollar ka economy cross karna hai. How it is possible? So some of startup is one of the contributor to achieve this economy, and to increase the GDP of our country. Just I have said, to we are very far about the USA, but if you want to make a China, then you have to be boycott the China product, vocal to local, be Indian, buy Indian, make in India. So all of these initiatives, we should be actively participate, and also develop our business or develop our startup in such a way that Indian feeling should be there. Ki this is a Indian startup, this is a make in India. So it will be help to expand in our future and also contribute in this mission to make India a global. How we will beat a China? Afterward, we can plan for a USA. But first, at least, if we want to beat a China, we will have a comparison between an Indian ecosystem
एंड चाइना. करंटली इंडिया एज आई सेड $3 trillion GDP है, चाइना 14 ट्रिलियन है. दिस इज अ वेरी बिग गैप. ऑल्सो इफ यू सी अ स्टार्टअप इकोसिस्टम बिटवीन द इंडिया एंड चाइना, हाउ इट इज कंपेरेबल. करंटली वी हैव 31 यूनिकॉर्न. द यूनिकॉर्न स्टार्टअप मीन्स those startup which have crossed their valuation of $1 billion and above. So what is $1 billion? It approximately 700 crore. So we have Paytm, we have Oyo Rooms, we have like we called Ola, Uber. So these are the Indian startup who have crossed the 1 billion valuation and become a unicorn. So currently India has 31 unicorn and China has a 206 unicorn. This is the data as on 2021. Afterwards, in India, the topest at rank number one, Paytm is the topest startup in India, whereas Alibaba is the Jack Ma is the founder of our Alibaba group, and its valuation approximately 231 billion. So if you see this valuation, Alibaba ranks at 231 billion and Paytm at 16 billion. Both are the topest startup in both the country, but they have their more. What is the reason behind that? We will go ahead. We will see in next slide. So Paytm ranks 9th highest global brand valuation in the, it is a global valuation. Paytm worldwide 9th stand pe karta hai. So Alibaba 6th global brand valuation pe aata hai. If we see in India, approximately 70 to 80,000 startup as on 2021 ka ye data hai. So abhi tak hamare 80,000 startup hai, usme se 60,000 got registered, 20,000 is not able to register on the government as per their eligibility criteria. But whereas if we see India, China has a 30 million startup, more than 3 crore sir. So what is how big difference is it? Even if we see a 1% success ratio of that, so 30 million mein se sir kam se kam 3 lakh startup wahan pe successful hai. And if we see in India, we have not able to cross 1 lakh also. So how we can beat? So here is the only basic calculation. Agar hame hamara ecosystem, hamara economy agar strong karna hai, to hame jyada se jyada startup pe focus karna hai. एंड इस स्टार्टअप में से हम बोलेंगे कि अगर पर डे का अगर रेशो आपने चेक किया तो इंडिया में 21 न्यू स्टार्टअप पर डे जनरेट होते हैं, वेर एज इन चाइना वी हैव 10,000 न्यू स्टार्टअप पर डे. व्हाई आई एम सेइंग दिस कंपैरिजन सर, इफ वी हैव टू लर्न फ्रॉम चाइना हाउ दे हैव प्लान्ड, हाउ देयर पॉलिसीज आर वर्किंग, हाउ देयर इकोसिस्टम वर्किंग, हाउ देयर स्टार्टअप आर वर्किंग, देन ओनली वी आर एबल टू develop our own startup and our own ecosystem. So some of the countries, if we say in India, Mumbai, Bangalore, Delhi, Hyderabad, Pune, these are the some of the top cities where our most of the startup are working. In China, we have Beijing, Shanghai. Also, Startup India Fund, which we have just said 10,000 crore budget has been government has provided. It comes to $1.3 billion, whereas China Startup Fund is $322 billion. So if you see the difference, sir, agar $320 billion ka provision agar China karta hai, to hamara government yahan pe $1 billion kar raha hai. So here also we all of you definitely request our government to make an additional budget to make provision so that initial seed funding and initial support from the bank, from the investor, from the government should be there. Then only we are able to sustain in early period. And once we are become a sustainable startup, we are become an independent business, then we can generate our own revenue, because definitely from first 2 to 3 years, it is very hard to generate the revenue. So this is what the, if we see a comparison between India and China. Now we will see an entrepreneur culture in India. So hamara current culture kya hai?
Now we will see a Indian culture. And in this entrepreneur ecosystem, in this entrepreneurship culture in India, there are some 7-8 parameters we will discuss in detail. One is the government policy. So right now, it is majority of the government policy are favorable, except some of them which may are not in favorable. Majority of the government policies are in favor of a businessman for a small MSMEs. Second, regulatory framework and the basic infrastructure, which is, we can say, developing at very from last 10 years, if we see, the infrastructure development project has been growing at very speedily. And also, we have a culture of business as compared to other countries. We have good mentors, we have good advisor, we have better support system. Governments, private, some of the federations, also some associations, NGOs who are working to give a training to a small businesses to develop their business. And also we have the some of the universities where a dedicated team of expert teachers, professors are working to develop the business entrepreneurship, the student, the youth of our India. Also, we have education and training. Skill India scheme is there. Skill training center, how we can become a more productive of our labor. If we compare with, again, China and India, our labor are less productive than China. Hence, they are able to grow fastest than our India. So we have to focus on our all these parameters. Along with that, we have a local and global market also. If we see in a population like 135 crore and above, the domestic market is also very huge. And also we have export policies are very, what we called export policies and export promotions and government support to increase the export are also increasing day by day. So this is what a current entrepreneurship culture we see in the India. If we just give me 5 minutes, if we go to early 80s or 90s, if we see, there is a dot-com era. In late 90s, we have Naukri.com, 1990. And that is the start of what we call the startup in the India, the first concept, which start from the Naukri.com. After that, everybody we know, in 2009, we have a Flipkart. Earlier, Flipkart and Snapdeal. And afterwards, that Flipkart has been taken over by Walmart. Then in 2010, our Make My Trip, which is listed on the NASDAQ, which is an international stock exchange. Just we have a Bombay Stock Exchange, National Stock Exchange. First time our Indian company has listed on the NASDAQ and make the global presence. Yes, Indian company can also work globally in 2010. After, it is a big, very super changer for our ecosystem, the launch of Jio and the 4G. So after the launch of Jio, everybody knows the, now the there is a free data, free calling, rural parts of India also get connected through this fiber connectivity. So launch of Jio is also a very good contributor for connecting, for developing of this space. And afterward, in 2018, the Flipkart has been acquired by Walmart for $16 billion. That was the great deal. And afterwards, everybody has been, matlab, sab log jaage ho gaye ki, yaar, ye kya hua? Agar apne ek Flipkart, jo company loss mein deal kar rahi thi, wo $16 billion mein वॉलमार्ट ने खरीद लिया, तब जाके हमारा एक स्टार्टअप इकोसिस्टम में सब जन जागे हो गए और बोले कि यार यस वी हैव दैट पोटेंशियल. एंड आफ्टरवर्ड्स इन फ्रॉम 2018 टू 2021 इवन लास्ट ईयर वी कैन से रिलायंस जियो हैज रेज्ड $20 billion ड्यूरिंग द पैंडेमिक. जबकि पूरा ग्लोबली हमने सबने देखा मार्च 2020 में पैंडेमिक था, सब इकोनॉमी
ये हुआ था रिसेशन एंड इकोनॉमी के बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ स्पेशली इन द यूएसए इंडिया एवरी इकोनॉमी हैज बीन बट इवन दैट पैंडमिक रिलायंस इज एबल टू रेज व्हाई बिकॉज द इंटरनेशनल बिजनेस ग्रुप इन्वेस्टर हैव अ फेथ इन इंडियन कंपनी दैट देर इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड पोटेंशियल डेफिनेटली देर आर सम अदर पैरामीटर्स ऑल्सो ही इज द रिचेस्ट मैन ऑफ इंडिया एंड अदर वैल्यूएशंस पार्ट आर देयर बट still the investor seeing the India as a great opportunity. Hence, after 2020, 2021, our government of India had launched Atmanirbhar Bharat to make India self-sustainable and this story continues. So, why I'm saying this, this is what a journey from to 90s to 2021 and afterwards, we have vision of 2025, 2030. So if we want to achieve or if we want to be part of this journey, we have to make our business in such a way that we will be part of this journey. We will get the benefit of this funding. We will be able to part of this all this startup ecosystem and we will able to become a successful startup in coming days. So how it is possible? Also, internet and smartphone users in India has very increased. If we compare with in our rural India and urban India, so in rural India we have 227 million users which use a smartphone, and in urban area 200 million. If you see urban area में जितने उससे ज़्यादा लोग rural में use कर रहे हैं. तो नॉर्मली वी फॉरगेट और आज जब इंटरनेट कनेक्टिविटी और रूरल स्मार्टफोन का पूरा दुनिया है तो हम हमारा बिजनेस ऑनलाइन ले जा सकते हैं हम ये टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं सो लाइक दिस वी हैव टू टेक द बेनिफिट ऑफ ऑल दिस डेवलपमेंट इन फॉर आवर बिजनेस एंड हाउ इट इज पॉसिबल वी विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड ऑल्सो आई वॉन्ट टू हाईलाइट स्पेसिफिक schemes and support for the state of Maharashtra. We have a Maharashtra Department of Skill and Entrepreneurship under which every year the Startup Week is celebrated under which a top 100 startup will be selected and they will be awarded, they will be given support. So anybody want to take the benefit of that, they can approach to the Department of Skill Development and Entrepreneurship of Government of Maharashtra. Also, we have a Maharashtra State Innovation Society which support scheme for Maharashtra-based startup only for intellectual property like just I have said, up to 2 lakh for a domestic patent and up to 10 lakh rupees for an international patent and also quality testing and certification. So, if you want to apply, this is a msins.in through which online application you can submit. Also, if you see a current scenario of Maharashtra, we have 14,000 startups, out of which 76 startups get a seed funded in the category of Fintech, financial technology category. 76 logo ko unhone fund kiya hai. Also, 30 startups has venture funded startup, where the Maharashtra State Innovative Venture Fund has contributed. Given a venture funded. Also, we have a 17 incubator who work as a support agency or who work as a hand-holding and for developing this startup and to make this startup self-sustainable. We have given a patent and quality testing to 27 startups. So this ratio is very less, but I think each and every startup who is registered on this and who is eligible startup, we have the next slide. So how to register a company, how to become a startup, how to get the all of this benefit, we will look forward. Also, if you see, जैसे हमने आज बोला है कि हमारे अलीबाबा ग्रुप के जो founder है Jack Ma, उनका एक बात मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा सर नेवर गिव अप टुडे इज द हार्ड टुमारो विल बी वर्स बट द डे आफ्टर टुमारो विल बी सनशाइन
टुडे 2021 बहुत हार्ड था, टुमारो 2022 थर्ड वेव आएगा, इकोनॉमी और ऊपर नीचे होगी, बहुत वर्स होगी, बट डे आफ्टर टुमारो डेफिनेटली देर विल बी अ सनशाइन. सो वी ऑल ऑफ हैव टू बी हैव अ होप एंड वी हैव टू लुक फॉर द फ्यूचर अपॉर्चुनिटी रादर देन फोकसिंग ऑन द करंट सिचुएशन. वी हैव टू कम अहेड, we have to focus on our strength, we have to develop ourselves, we have to face these challenges, and we have to develop and protect our business also, and we have to grow. So now we will come to a second part of our topic, today's discussion topic, and role of a early stage startup. So Mayur sir ne to bahut achhi history bata diye, yaar China hai, India hai, bade bade companies hain, bhai main to chota hu, meri idea bahut choti hai, aur main ek founder hu. तो इस आइडिया का, ये फाउंडर का मेरा रोल क्या है, इस पे बात बताइए. ये अंबानी जी का हमें कुछ जमता नहीं. तो यहाँ पे मैं फोकस करना चाहूंगा कि रोल ऑफ अर्ली स्टेज स्टार्टअप फाउंडर्स. एक छोटी सी आइडिया, कोई भी बिजनेस हो, कोई अगर आपने, मैं यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूंगा एक ओला कंपनी का. किसी ने सोचा नहीं था कि यार 5 साल या 10 साल पहले की मैं मोबाइल पे बुक ऑटो बुक कर सकता हूँ, या फिर मैं ऑटो के चार्ज में कार में घूम सकता हूँ. बिकॉज इन इंडिया कार में घूमना एक प्रेस्टिजियस माना जाता है. सो यहाँ पे एक ट्रांसपोर्ट कन्वीनियंस, यू हैव अ लोकल बस, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस आर देयर, यू हैव अ लोकल ट्रेन, यू हैव अदर फैसिलिटीज आल्सो, बट कार इज अ प्रेस्टिजियस. तो ओला कंपनी ने ये प्रॉब्लम समझा कि इंडिया में लोगों को कार में जाना तो है, बट पैसा ऑटो का देना है, तो हाउ इट इज पॉसिबल. सो उन्होंने फिर ये ओला ऐप डेवलप किया, एंड आफ्टरवर्ड्स दे हैव फोकस्ड ऑन द दिस प्रॉब्लम. सो प्रॉब्लम बहुत छोटा होता है, बट वी हैव टू फोकस ऑन दैट, वी हैव टू वर्क, वी हैव टू अंडरस्टैंड द कस्टमर एक्सपेक्टेशन, कि भाई कस्टमर को क्या चाहिए. एज फार एज द कस्टमर इज द किंग ऑफ मार्केट, हम सब बोलते हैं, बट जब करते हैं तब कस्टमर को ही भूल जाते हैं. तो ये गैप हमें थोड़ा डेवलप करना है, एंड कस्टमर को हमें फोकस करके उसके एक्सपेक्टेशन, उसके नीड, उसका डिमांड, ये आइडेंटिफाई करना है. इफ वी वांट टू आइडेंटिफाई दियर पेन, देन ओनली वी आर एबल टू गेन. सो ये फंडा यूज करना है, पेन टू गेन. हमें अगर पेन ही नहीं पता है तो हम गेन कैसे कर पाएंगे. सो आपको बिजनेस में अगर गेन करना है तो पहले कस्टमर का पेन समझो, definitely you will get benefited. So as a founder, how you will able to run your business or start your startup. So now these are some important points we will discuss in detail. So first, developing a unique business model. जैसे मैंने बोला कि अगर आपको एक transportation का issue solve करना है, तो ओला ने जैसे एक mobile based app बनाया, on the basis of that app वो कस्टमर का प्रॉब्लम वो सॉल्व कर पा रहा है. नाउ हमें अगर आज दिस कोई भी मार्केट का कोई प्रॉब्लम है, या हमारा कोई सॉल्यूशन है जो ये मार्केट का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, सो ऑन दैट आइडिया वी हैव टू फोकस एंड वी हैव टू डेवलप अ बिजनेस मॉडल. व्हाट इज दैट बिजनेस मॉडल? उसमें कुछ चार पैरामीटर्स है. वो बिजनेस मॉडल में इनोवेशन चाहिए, वो बिजनेस मॉडल में टेक्नोलॉजी चाहिए, वो बिजनेस मॉडल में स्केलेबिलिटी चाहिए कि वो बिजनेस बड़ा कर सके, और वो बिजनेस मॉडल में एसेट लाइट चाहिए, उसमें कोई लाइबिलिटी ना हो. अगर ओला कार ने अगर सारी कार्स खुद ओन किए होते, सारे ड्राइवर्स खुद ओन किए होते, तो आज वो इतना बड़ा नहीं कर सकता. आज ओला कार के पास कम से कम 10 लाख प्लस कार्स है जो आज पूरे इंडिया में चल रही है, और एवरी कार गिव्स अ रेमुनरेशन अबाउट 100 to 200 rupees टू द ओला पर डे. आप सोच सकते हैं कितना रेवेन्यू, 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 200 rupees, 20 crore का रेवेन्यू तो हर साल ओला हर पर डे कमा रहा है. हाउ इट इज पॉसिबल? बिकॉज दे हैव डेवलप द यूनिक बिजनेस मॉडल. सो एक बिजनेस मॉडल का हम बोल सकते हैं कि कितना बेनिफिट है और उस पर काम करना क्यों जरूरी है. अब वो बिजनेस मॉडल कैसे डेवलप करना है वो आज हम देखेंगे. Also, एक आइडिया कि भाई सर पता है ओला तो सक्सेस हो गया, बट मुझे कैसे पता कि मेरा आइडिया भी इतना इनोवेटिव हो सकता है, या फिर मेरा आइडिया भी सक्सेसफुल हो सकता है.
तो इसीलिए हम क्या करेंगे, एक आइडिया वैलिडेशन का प्रोसेस होता है जिसमें हम हमारे आइडिया को मार्केट में टेस्ट करेंगे। जैसे सॉफ्टवेयर डेवलप करने के बाद हम टेस्ट करते हैं, उसमें से एरर निकालते हैं, देन उसको फाइनल करते हैं, उस टाइप में हमारे आइडिया को, हमारे बिजनेस को हम मार्केट में टेस्ट करेंगे, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं आइडिया वैलिडेशन प्रोसेस। आफ्टर दैट वी विल, एक बार समझ गया कि चलो यार मेरी आइडिया तो अच्छी है और मेरा बिजनेस मॉडल भी परफेक्ट है, अब आगे क्या, अब तो पैसा लगेगा, आफ्टरवर्ड वी विल अप्रोच टू द फंडिंग। तो ये पूरा जो प्रोसेस है इसमें हम एक इन्वेस्टर को जो हम प्रेजेंटेशन देते हैं कि सर दिस इज मेरा, ये मेरा आइडिया है, मुझे इतने इतना पैसा चाहिए और इस हिसाब से मैं अगले 3-5 साल का ये मेरा बिजनेस प्लान है और ये अचीव करने के लिए मुझे ये स्टेज पे इतना इतना फंड लगेगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है जिसे हम फंड रेजिंग प्रोसेस बोलते हैं, ये फंड रेजिंग प्रोसेस को हम इन्वेस्टर रेडी पिच डेक हम बोलते हैं। सो ये पिच डेक कैसा बनाना है, इसका प्रेजेंटेशन कैसे करना है, दैट वी विल डिस्कस टुडे। ऑल्सो वी हैव अ स्टार्टअप वैल्यूएशन, भाई इन्वेस्टर आपको पैसा कितना देगा, क्योंकि यहाँ पे तो आपको कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज करनी नहीं है कि जो बैंक में जैसे हम जाते हैं कि भाई प्रॉपर्टी ले लो हमें लोन दे दो। ये पूरा फंडिंग जो है दैट इज डिपेंडेंट ऑन यूअर वैल्यूएशन, कि भाई आपका वैल्यूएशन कितना है, आपकी बिजनेस की कीमत कितनी है। तो ये कीमत निकालने के कुछ प्रोसेस है, तो हम वो आज समझेंगे कि हमारा बिजनेस, हमारा आइडिया, उसका वैल्यूएशन कैसे निकाला जा सकता है और वो वैल्यूएशन में से फिर फंड रेजिंग कैसे की जाती है। अलॉन्ग विद दैट वी हैव अ, जैसे हमने बोला कोई प्राइवेट इन्वेस्टर से हम पैसा ले सकते हैं, अलॉन्ग विद दैट वी हैव अ अल्टरनेट ऑप्शन ऑफ SME IPO, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज इनिशियल पब्लिक ऑफर। हमने बहुत बार देखा है, अभी लेटेस्टली हमने सुना है कि LIC IPO निकाल रही है, उसके बाद हमारे पतंजलि के रामदेव बाबा अभी सोया, रुचि सोया जो उनकी कंपनी है वो IPO निकाल रही है, प्लस हमारे अभी आपने देखा होगा कि Zomato कंपनी ने एक IPO निकाला हो जो सबसे बड़ा इंडिया का आज तक का IPO रहा है, 16,000 करोड़। सो ये इनिशियल पब्लिक ऑफर ये हमारे बिजनेस के लिए फंडिंग का ऑप्शन है क्या, तो मेरा आंसर है यस वी कैन टेक। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एंड सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ एक्सचेंज ने MSME सेक्टर के लिए थ्रू नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वी कैन अप्लाई फॉर फंड अप टू 25 करोड़ अंडर अ इनिशियल पब्लिक ऑफर। एनी स्टार्टअप, एनी MSME हु हैव 2 years ट्रैक रिकॉर्ड एंड हैविंग 2 करोड़ नेटवर्थ, एक स्टेटस, एक लेवल पे जाने के बाद वी कैन अप्लाई फॉर अ इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो ये एक स्मॉल SME प्लेटफॉर्म होता है। आफ्टर दैट जब आपको बट ज़्यादा फंडिंग लगेगी तब आप मेन प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे आज रिलायंस, टाटा, ये सारे बड़े ब्रांड जो ट्रेड होते हैं वहाँ पे भी हम लिस्टेड कर सकते हैं, बट ऑल दिस स्मॉल बिजनेसेस वी हैव SME IPO, तो इसमें हम कैसे बैठ सकते हैं हम यहाँ देखेंगे। और दूसरा, हमारा स्टार्टअप के लिए क्या क्या टैक्स बेनिफिट है, इनकम टैक्स में क्या बेनिफिट्स है, अदर क्या इंसेंटिव है गवर्नमेंट से, एंड ऑल्सो ये सब करने के लिए, मयूर सर ने तो बोल दिया कि यार सर चलो आइडिया है, बिजनेस बढ़ा दो, प्रेजेंटेशन दे दो, फंडिंग आ जाएगी, गवर्नमेंट बेनिफिट हो जाएगा, बट ये कैसे करूँ। तो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ 3-6 months और इसे हमें एक यूर एक एक्शन प्लान बनाना है। वो एक्शन प्लान के अंदर हमें एक हमारा पूरा वर्क लिस्ट बनाना है, वर्क लिस्ट के अंदर लिखना है फर्स्ट वीक का क्या है, सेकेंड वीक का क्या है, ये पूरा टारगेट करना है, इसमें कौन कौन से चीज पे फोकस करना चाहिए, दैट वी विल लर्न। सो आई थिंक अ बेसिक आइडिया मैंने आप सबको सामने रखी है, एक आइडिया से लेके फंड रेजिंग से लेके एक सक्सेसफुल स्टार्टअप बनने के लिए क्या प्रोसेस करनी। नाउ वी विल गो अहेड। एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा आप सभी को कि आइडिया विदाउट एग्जीक्यूशन इज ओनली इल्यूजन एंड डिल्यूजन। हमारे पास आइडिया है बट हम उसको एग्जीक्यूट नहीं करते, सिर्फ दिमाग में है, हमने पेपर पे रखा है, जब तक हम उसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, हम जब तक उस पर एक यूनिक मॉडल नहीं बनाएंगे, जब तक हम उस पर कस्टमर के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे, मार्केट में लॉन्च नहीं करेंगे, तब तक वो आइडिया एक जस्ट एक इल्यूजन है, मराठी में हम बोलते हैं मृगजड़। तो वो सिर्फ दिखता है, रहता नहीं है, लाइक दिस, दिस इज जस्ट अ इल्यूजन, एक वो आप बोल सकते हो सपना है जो सिर्फ आपके दिमाग में। तो आपके दिमाग के आइडिया को मार्केट में उतारना है, दिस प्रोसेस वी विल डिस्कस टूडे। सो गोइंग अहेड, आइडिया और आइडिया के अंदर हमें कुछ चीजें मैं यहाँ पे आपके सामने रखूंगा कि वेयर वी हैव टू फोकस। कोई भी आइडिया है तो एक 3 क्वेश्चन आप खुद से पूछना है। पहले
कि ये आइडिया ऑलरेडी एग्जिस्ट है क्या? आप बोलोगे कि सर जैसे ओला ने किया है ऑटो रिक्शा का, तो मैं भी करना चाहूंगा. सो ऑलरेडी अगर वो एग्जिस्ट है यू कैन डू, बट हमें कुछ इनोवेटिव और कुछ अलग करना है सो दैट कस्टमर को ये फील ना हो कि यार ये सेम ही चीज दे रहे हैं. इवन इन अ डिफरेंट मार्केट, आज ओला उबर या जो भी है वो सिर्फ एक व्हाट वी कॉल्ड अर्बन एरियाज में. अभी तक हम देखेंगे फॉर एग्जांपल आप महाराष्ट्र में आप देखो मराठवाड़ा विदर्भ ऐसे एरिया में अभी तक ओला उबर बहुत हो गए. औरंगाबाद नागपुर तक वो पहुंचे, दे आर स्टिल नॉट एबल टू कम इन द नांदेड़ लातूर अकोला अमरावती. सो अगर ये स्मॉल सिटीज में भी बिग बिजनेस है, यहाँ पे भी हम ओला उबर जैसे आइडिया रन कर सकते हैं. बट इसके लिए हमें पहले 3 क्वेश्चन पूछना है. पहले कोई भी आइडिया रहो भाई, ये मेरा बिजनेस आइडिया है, ये मेरा बिजनेस प्लान है, इस पे पहला क्वेश्चन है कि वेदर दिस आइडिया एग्जिस्ट, ये ऑलरेडी है क्या. दूसरा, एनीवन ट्राइड दिस आइडिया बट फेल्ड, किसी ने ये आइडिया ट्राई किया है क्या, वेदर मे बी ही सक्सेसफुल और मे बी ही इज फेल्ड. एंड थर्ड, ट्राइंग एंड डेवलपिंग एंड वर्किंग ऑन दैट आइडिया. सो फर्स्ट अगर ऑलरेडी आइडिया एग्जिस्ट है तो हमें पहले सोचना है कि इसमें कितना स्कोप है, किस एरिया में हम करना चाहते हैं. अगर ऐसा आइडिया नहीं है कहीं पे एग्जिस्ट, तो फिर हम दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे कि आइडिया तो नहीं है बट इसके करंट आइडिया नहीं है बट इसके पहले किसी ने किया है क्या, जो सक्सेस हुआ या अनसक्सेस हुआ है. अगर अनसक्सेस हुआ है तो वो क्यों अनसक्सेस हुआ है, सो दैट हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि हमारा आइडिया कितना सक्सेसफुल हो सकता है, हमारा बिजनेस, हमारा मॉडल, हमारा एक कंसेप्ट. एंड आफ्टरवर्ड वी विल गो अहेड फॉर द इकोनॉमिकल वायबिलिटी, टेक्निकल फिजिबिलिटी. आपने बोल तो दिया कि सर यस अभी मैं काम करना चाहूंगा, एक मेरे पास फार्मर्स है, वो फार्मर से मैं रॉ मटेरियल लूंगा, मैं उसको ऑनलाइन बेचूंगा. कंसेप्ट इज वेरी गुड, आइडिया इज वेरी गुड, बट ऑलरेडी सम ऑफ द पार्टनर्स एग्जिस्ट, ग्रोफर्स है, बिग बास्केट है, डेफिनेटली अर्बन एरिया में है. तो फार्मर टू कंज्यूमर, शेतकरी ते ग्राहक, ये कंसेप्ट पे अगर हमें काम करना है तो पहले हमें क्या क्या चीजें देखनी पड़ेगी. कुछ एग्जांपल्स में लेना चाहूंगा तो यहाँ पे हम देखेंगे इकोनॉमिकल वायबिलिटी, मतलब इसका हमें देखना है कि ये फाइनेंशियली हम इसको सस्टेन कर पाएंगे क्या, जो रेट से हम फार्मर्स से ले रहे हैं, जो रेट्स में हम मार्केट में बेच रहे हैं, इसके अंदर कितनी मार्जिन है, वो मार्जिन से हमारा खर्चा निकल सकता है क्या, ये सब चीजें जो हम क्रॉस चेक करेंगे इसे हम इकोनॉमिकल वायबिलिटी बोलते हैं. एंड टेक्निकल फिजिबिलिटी, यस हमें फार्मर टू कंज्यूमर तक पहुंचाना है बट हाउ, ये मैनुअल तो हो नहीं सकता, हमें मोबाइल ऐप बनाना है, ऑनलाइन करना है, ऑर्डर ट्रैक करना है, तो ये सब करने के लिए हमें जो टेक्नोलॉजी चाहिए. सो ये आइडिया फिजिबल है क्या इन आवर एरिया एंड इन द इन द पैरामीटर विच वी आर थिंकिंग, हमें जिस एंगल में हम वो आइडिया को सोच रहे हैं वो आइडिया में वो फिजिबल है क्या. तो कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं जो आइडिया को हमें क्रॉस चेक करना है. सो हम उसको इकोनॉमिकली एंड टेक्निकली देखते हैं. अलॉन्ग विद दैट वी हैव टू डू सम शॉर्ट एनालिसिस, जैसे स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट. हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारे पास फार्मर बेस है, हमारे पास अच्छी टीम है, हमारे पास फंडिंग है, या फिर हमारे पास एक अच्छा कस्टमर बेस है, या हमारे पास एक ब्रांड है. हमारे पास क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, और अलॉन्ग विद दैट हमारा वीकनेस क्या है. अगर ये हम समझ ले तो हम हमारे स्ट्रेंथ को बिजनेस में यूज कर पाएंगे और जो वीकनेस है वो वीकनेस को हमको हाउ वी कैन ओवरकम, हम उससे बाहर कैसे आ सकते हैं, हम उसको हमारे बिजनेस डेवलपिंग में हमारी वीकनेस को फोकस करके हम उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. सो शॉर्ट एनालिसिस, अलॉन्ग विद दैट स्ट्रेंथ वीकनेस देर आर सम अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट. जैसे मैंने अभी बोला कि 2021 एंड 22 इज हैविंग ग्रेट अपॉर्चुनिटी. अगर 200-200% से हमारा इंडस्ट्री अगर स्टार्टअप का ग्रो हो रहा है, सो कैन यू इमेजिन कि इतना तो शेयर मार्केट में भी इतना ग्रो बहुत कम शेयर्स में मिलेगा. सो इफ वी वर्क इन दिस स्टार्टअप, इन दिस आइडिया, अवर कंपनी विल ग्रो लाइक 100-200%. डेफिनेटली दीज आर द पैरामीटर. आपका आइडिया सक्सेस, बिजनेस मॉडल यूनिक होना चाहिए, आपका आइडिया वैलिडेटेड होना चाहिए, आपके पास फंड होना चाहिए, आप एक स्टेज तक, एक प्राइमरी हम बोलते हैं कि एक आपका मॉडल बिजनेस मार्केट में रन होना चाहिए, एंड आपका बिजनेस स्केलेबल होना चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए. तो ये सारी चीजें अगर बैठती है देन डेफिनेटली इन नेक्स्ट 3-5 ईयर्स योर स्टार्टअप कैन बिकम अ सक्सेसफुल
ऑल्सो ये बिजनेस मॉडल हमें डेवलप करने के लिए 9 एलिमेंट्स है, मैं ब्रीफली बताना चाहूंगा क्योंकि आज टाइम बहुत कम है, मुझे विजय सर ने और शंतनु सर ने टाइम लिमिटेशन दिया है, सो आई हैव टू कवर दिस टॉपिक एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट। सो ये आइडिया को हमें एक अच्छा बिजनेस मॉडल में बनाना है, जैसे मैंने बोला कि आज बिग बास्केट ग्रोफर्स है, आज ओला है, तो ये कंपनी आज बड़ी हुई है सर, 5-10 साल पहले ये आइडिया लेवल पे ही थी जहां पे आज हम, तो अगले 5 साल में, और उन्हें 10 साल लगा तो जरूर नहीं हमें 10 साल लगे, हम 5 साल में भी कर सकते हैं, बट वी हैव टू फॉलो दिस प्रोसेस स्ट्रिक्टली, और एक बार ये प्रोसेस अगर फॉलो कर ले तो आई हैव कॉन्फिडेंस इन इंडियन इकोसिस्टम कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा बिजनेस सक्सेस होने का अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि जैसे हम चाइना में देख रहे हैं कि चाइना एक लेवल तक पहुंच चुका है और अभी हम ग्रोइंग स्टेज में है, तो वी हैव वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी, और अलॉन्ग विद दैट हमारा गवर्नमेंट का कल्चर पॉलिसीज अलॉन्ग विद वेरियस डिसीजंस आर वेरी गुड विच आर फेवरेबल फॉर अवर बिजनेसेस। सो एक बिजनेस मॉडल कैसे बनाया जा सकता है, उसमें 9 एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं दैट वी विल सी। सबसे पहले एक क्वेश्चन आपको पूछना है, व्हाई डू यू वांट टू स्टार्ट, क्योंकि हम बहुत बार स्टार्ट कर लेते हैं और बाद में हमें ही नहीं पता होता कि भाई हमने बिजनेस क्यों स्टार्ट किया। सो बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन कर पूछना है व्हाई डू यू वांट टू स्टार्ट। अब जिस दिन लोगों की शादी हुई है उनको पता होगा कि यार क्यों शादी करनी है, अगर आज वो देखेंगे सोचेंगे तो बोलेंगे यार ये पहले ही सोच लेता। जैसे आज बिजनेस स्टार्ट करने के पहले सोचना है कि भाई क्यों स्टार्ट करना है, करने के बाद सोच के कोई फायदा नहीं। सो व्हाई डू यू वांट टू स्टार्ट, और ये रिटर्न में पेज पे पूरा लिख के लिखाना है, मैं क्यों करना है, व्हाट इज अवर एम, अल्टीमेट एम क्या है लाइफ का, क्योंकि कुछ लोगों को पता ही नहीं होता है, जस्ट एक आइडिया आ गई वो कर रहे इसलिए मैं करना चाहता हूँ, नहीं बाबा उसका एक अलग विजन है, आपका विजन, तो वो आपका विजन क्या है, व्हाई यू वांट टू स्टार्ट, अगर यही क्लियर नहीं है, जाना कहाँ पता नहीं है, तो फिर चलो बैठ जाओ जहां जाएंगे जाएंगे, ऐसा नहीं। वी हैव टू बी वेरी क्लियर व्हाट इज एम ऑफ आवर लाइफ, व्हाट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर बिजनेस एंड हाउ वी आर गोइंग टू प्लान आवर बिजनेस इन द फ्यूचर। सो एक बेसिक क्वेश्चन है क्यों करना, ये पता चल गया, उसके बाद इज दिस आइडिया स्केलेबल, इन्वेस्टर फंडेबल एंड इन्वेस्टमेंट रेडी, सेकेंड क्वेश्चन। सो पहला क्वेश्चन है व्हाई डू यू वांट टू स्टार्ट, दूसरा जो भी आइडिया आप काम करना चाह रहे हो वो आइडिया स्केलेबल है क्या, क्यों, क्योंकि अगर वो आइडिया स्केलेबल नहीं है, फॉर एग्जांपल आपने सोचा कि यार मैं एक शॉप खोलूं मेडिकल शॉप, वो मेडिकल शॉप में मैं मेडिसिन ट्रेड करूं, तो आप कितने शॉप में कवर कर पाओगे, 1, 2, 5, 10, लिमिटेशन, यू कैन नॉट हैंडल 100 शॉप इन वन डे, बट इफ यू डेवलप अ मॉडल कि आप मेडिकल शॉप्स को जो इक्विपमेंट्स लगेंगे, मेडिकल इक्विपमेंट या कोई उसको प्रोडक्ट वो सप्लाई करोगे, यू कैन सप्लाई टू हंड्रेड्स एंड लैक्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ शॉप्स। सो ये होता है स्केलेबिलिटी, हम हमारा बिजनेस बढ़ा सकते हैं क्या, जैसा ओला का एग्जांपल लिया, अगर खुद का गाड़ी खुद का ड्राइवर रखता तो वो आज 10 लाख गाड़ी नहीं कर सकता था, उन्होंने ड्राइवर गाड़ी उसका मेंटेनेंस उसका पेट्रोल उसका अगर सिग्नल तोड़ता है तो उसका चलान सब कुछ वो ड्राइवर देखेगा, कंपनी सिर्फ ऑर्डर लेगी। एंड सो हमारे आइडिया में हमें देखना है कि हमारा ये आइडिया स्केलेबल है क्या, हम इस आइडिया को कितना बढ़ा सकते हैं, और दूसरा इस आइडिया बनाने के बाद जब हमें एक्सपेंशन करना है तो हमारे इसमें इन्वेस्टमेंट आ सकती है क्या, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है क्यों करना पता है, आइडिया भी बहुत अच्छी है, बढ़ा भी सकते हैं, बट इसको फंडिंग नहीं मिलती है, ड्यू टू फंडिंग हम इस बिजनेस को एक्सपांड नहीं कर पाते। तो ये 3 क्वेश्चन इनिशियली पूछना, और इसमें इन्वेस्टमेंट कोई भी आपके आइडिया में इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा, उसके कुछ पैरामीटर्स है हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। सो पहले आइडिया क्लियर हो गई, हमने बना लिया, आफ्टर दैट हमने बोला कि यार चलो अभी एक अच्छा मॉडल बनाएंगे, मॉडल बनाते वक्त अगर उसको एक ब्रीफली हमें फोकस करना है तो ये 9 पैरामीटर्स हमने बनाए हैं जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। एक साइड में हमारे पास 3 केज है जिसमें की पार्टनर, की एक्टिविटी, की रिसोर्सेस, राइट साइड वी हैव 3 सीज,
customer relationship, customer channels, delivery channels and customer segment. बॉटम में है लेफ्ट साइड में कॉस्ट स्ट्रक्चर, राइट साइड में है रेवेन्यू स्ट्रीम एंड बीच में है वैल्यू प्रोपोजिशन. सो ये 9 बॉक्सेस आर डिजाइन इन सच ए वे, इसे हम कैनवास बिजनेस मॉडल बोलते हैं. सो इन दिस मॉडल इफ वी पुट अवर आइडिया, पुट अवर बिजनेस कंसेप्ट, देन वी आर एबल टू स्टार्ट ऑन वर्किंग ऑन अ सिंगल मॉडल और अ प्रोटोटाइप मॉडल. अभी ये यही क्यों सर 9 पैरामीटर, देर आर अदर पैरामीटर्स ऑल्सो, बट दीज आर द इम्पोर्टेंट पैरामीटर थ्रू विच वी कैन स्टार्ट. सो ब्रीफली बताऊंगा ड्यू टू टाइम लिमिटेशन. की पार्टनर्स मतलब जो पार्टनर है विच आर आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आपका फाउंडर टीम है, आपका एक कोर टीम है जिसके साथ हम काम करना चाहते हो, आपका जो कोर कॉम्पिटेंसी है जहां पे आप फोकस करना चाह रहे हो, अलॉन्ग विद दैट जो प्रोसेसेस आपको आउटसोर्स करनी है, जो प्रोसेसेस आपको किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाइप करना है, तो वो हम की पार्टनर्स में डालेंगे. जैसे एक एग्जाम्पल जैसे हमने अभी लिया कि हम फार्मर्स टू कंज्यूमर्स तक बेचना चाहते हैं, फार्म टू ग्राहक थे, सॉरी शेतकरी थे ग्राहक. इन दिस कंसेप्ट फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, फार्मर ग्रुप, फार्मर्स आर द की पार्टनर हु आर सप्लाइज द रॉ मटेरियल. अलॉन्ग विद दैट डिलीवरी हम खुद करना चाहते हैं या किसी से आउटसोर्स करना चाहते हैं थ्रू रिटेल शॉप और थ्रू अदर चैनल या ऑनलाइन. सो यहाँ पे जो डिलीवरी का सिस्टम है वो हम की पार्टनर में डाल सकते हैं. सो इफ वी आर गोइंग टू डेवलप दिस मॉडल हमें फोकस करना है हु आर द की पार्टनर. नाउ की एक्टिविटीज, की एक्टिविटीज आर दोज जो ये पूरा जो प्रोसेस है प्रोक्यूरमेंट प्रोसेसिंग पैकिंग स्टोरेज डिस्पैच डिलीवरी एंड होलसेल रिटेल कंज्यूमर कंजम्पशन, तो ये पूरे प्रोसेस में विच आर द की एक्टिविटी. ये तो पूरा है बट कहाँ फोकस करना है, हमें प्रोक्योरमेंट पे फोकस करना है हमें, क्योंकि ये यहीं पे हमारा मॉडल डिफाइन होगा. जैसे अभी ओला, ओला वाला सबसे ज्यादा फोकस कहाँ करता है, उसकी मोबाइल ऐप, उसका प्लेटफॉर्म, उसका टेक्नोलॉजी और उसका ट्रैकिंग. अगर एक थोड़ा सा एक सोच लो कि अगर समझो थोड़ी देर के लिए गूगल मैप बंद पड़ गया या थोड़ी देर के लिए अगर सैटेलाइट बंद हो गई ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन, तो ओला का पूरा वन डे का रेवेन्यू कितना बड़ा लॉस हो सकता है, बिकॉज उसका पूरा प्रोसेस जो है वो सिर्फ वो एक गूगल मैप या उसका जो प्लेटफॉर्म है उस पर डिपेंड है. सो हमें भी देखना है कि हमारे पूरे बिजनेस आइडिया प्रोसेसेस में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, वहां पे हम उसको बोलेंगे की एक्टिविटीज एंड सम ऑफ वी हैव की रिसोर्सेस. तो ये करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस क्या है, जैसे उसके लिए उसका आईटी प्लेटफॉर्म इज इम्पोर्टेंट. हमारा अगर ऑनलाइन बिजनेस है तो हमारा आईटी प्लेटफॉर्म इज इम्पोर्टेंट. अगर हमारा प्रोक्योरमेंट स्ट्रांग होना है या दिस इज अ की एक्टिविटी, देन हमारा जो बैकवर्ड का जो रिसोर्सेज है कलेक्शन सेंटर बोलो स्टोरेज, ये इम्पोर्टेंट. सो वी हैव टू आइडेंटिफाई की पार्टनर, की एक्टिविटी एंड की रिसोर्सेज. इस बारे में डिटेल्ड एक लेक्चर हमारा मई 2021 में हुआ था. इट इज अ इंडियन अवेयरनेस प्रोग्राम 04th इंडियन अवेयरनेस प्रोग्राम था. एनीबडी वॉन्ट टू अंडरस्टैंड दिस बिजनेस मॉडल इन डिटेल कैन गो ऑन द फेसबुक पेज, ऑन द पिप कनेक्ट सेम फेसबुक पेज एंड कैन सी दैट ओल्ड वीडियो. ऑल्सो वी हैव अ कस्टमर रिलेशनशिप, कस्टमर चैनल एंड सेगमेंट. कौन कौन से कस्टमर, अब ये बैकवर्ड का हो गया, फॉरवर्ड में हमें कौन से कस्टमर को फोकस करना है, रिटेल करना है, होलसेल करना है, B2B करना है, B2C करना है, ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन करना है, रूरल करना है, अर्बन करना है, विच टाइप, विच सेगमेंट, विच कैटेगरी, तो यहाँ पे हमें लिस्ट आउट करना है. आफ्टर दैट वी हैव कस्टमर रिलेशनशिप एंड कस्टमर चैनल. ये करते वक्त कस्टमर से हम रिलेशन कैसे करें, कस्टमर इंक्वायरी हमें कैसे दे, कस्टमर का इंक्वायरी को हम डिलीवरी कैसे दे, आफ्टर दैट डिलीवरी हाउ वी आर गोइंग टू कस्टमर का जो व्हाट वी कॉल्ड वहां तक प्रोडक्ट कैसे पहुंचे, प्रोडक्ट पहुंचने के बाद उसका फीडबैक हमें कैसे मिले. तो ये पूरा कस्टमर हमारे पास जहां जहां कांटेक्ट में आने वाला है, स्टार्टिंग फ्रॉम इंक्वायरी टू फीडबैक, ये पूरे प्रोसेस में हमें कस्टमर से रिलेशन मेंटेन करना है और उसपे हमें फोकस करना है, बिकॉज इट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट वेन वी आर गोइंग टू डेवलप अ यूनिक बिजनेस मॉडल. अलॉन्ग विद दैट वी हैव अ कस्टमर डिलीवरी चैनल, कस्टमर सेगमेंट एंड नाउ वी हैव वैल्यू प्रोपोजिशन. ये सब करते वक्त की पार्टनर से, कस्टमर सेगमेंट से, व्हाट वैल्यू एडिशन वी कैन
डू, जैसे हम ऑर्डर कितनी देर में प्रोसेस कर सकते हैं, हम डिलीवरी कितनी जल्दी दे सकते हैं, हम क्वालिटी प्रोडक्ट कैसे दे सकते हैं, हम कस्टमर का जो एक्चुअल प्रॉब्लम है या कस्टमर का जो डिमांड है वो कैसे फुलफिल कर सकते हैं, व्हाट यूएसपी वी हैव, हमारे पास यूनिक ऐसा क्या है, एक बेसिक शुद्ध मराठी भाषेत म्हणलं जातं, तुम्ही कशासाठी ओळखले जाणार, तुम किस चीज के लिए जाने जाओगे। जैसे आज अगर मैं आपको बोलू कि यार विजय सर कि हमें आज एक अच्छी कॉफी पीनी है, तो सबसे पहले आपके सामने आएगा कि सीसीडी आएगा या स्टारबक्स आएगा या कॉफी शॉप आएगा, तो ये पहला नाम क्यों क्रिएट होता है, सो दैट वैल्यू दैट ब्रांड क्रिएटेड, तो तुम किस चीज के लिए जाने जाओगे, वहां पे हमें फोकस करना है। और ये फोकस करते वक्त हमारा जो ब्रांड डेवलपमेंट है, हमारा एक बिजनेस का प्रेजेंस है, वो कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो ये सारी चीजें हम वैल्यू प्रपोजिशन में फोकस करेंगे। एंड लास्टली वी हैव अ कॉस्ट स्ट्रक्चर एंड रेवेन्यू, तो ये सब करने के लिए हमारे पास कॉस्ट कितना लगने वाला है, सैलरी कितना लगने वाला है, रेंट कितना, ट्रांसपोर्ट कितना, अलोंग विद दैट फिक्स एक्सपेंडिचर कितना है, रिकरिंग एक्सपेंडिचर कितना है, क्योंकि अगर कॉस्टिंग पार्ट क्लियर ना हो तो बिजनेस लॉस में जाएगा। कम से कम हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस पे अगर फर्स्ट 1-2 ईयर्स अभी चला तो नेक्स्ट आफ्टर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर वी कैन सी द प्रॉफिट, बट अगर स्टार्टिंग में अगर हम वो प्लान प्रॉफिटेबली प्लान नहीं कर पाएंगे, वो टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे, तो फिर दिस आइडिया विल बी ऑल्सो फेल। तो कॉस्टिंग पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमें बेसिक प्राइमरी प्लान बनाना है, एंड ऑल्सो सबसे इंपॉर्टेंट रेवेन्यू, ये सब करने के बाद हमारा टर्नओवर, हमारा सेल्स, हमारा रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा। सो दीज आर द 9 एलिमेंट्स जिसे फोकस करके हम हमारा यूनिक एक आइडिया एक बिजनेस मॉडल में हम कन्वर्ट करेंगे। एंड आफ्टर दैट वी हैव व्हाट आर द पॉइंट्स वी हैव टू फोकस ऑन ऑल ऑफ दिस, एक शॉर्टली ब्रीफली यहाँ पे दिया है। एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इज अबाउट कि वो कस्टमर को ये प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है या ये सर्विस नहीं मिल रही है, वो प्रॉब्लम को हमने सॉल्यूशन किया थ्रू आवर बिजनेस मॉडल। एंड आफ्टर दैट हम ये डिमांड सप्लाई को, ये मार्केट गैप को एक यूनिक सर्विस, हम बोलते हैं हमारा यूएसपी या हमारा एक वैल्यू एडिशन क्या है, हमें करंटली देखना है कि करंटली इंडस्ट्री में ये कौन दे रहा है। जैसे ओला कंपनी आने के पहले या पेटीएम कंपनी आने के पहले, पेटीएम के पहले मोबाइल रिचार्ज जो होता था एक रिटेल शॉप से या किराना शॉप से होता था, पहले ऑनलाइन रिचार्ज का बहुत कम ये था, वी हैव टू गो टू अ रिटेल शॉप, एक स्क्रैच कार्ड था, वो कोड डालो, रिचार्ज करो। लाइक दिस हमारे पास आफ्टर द डिजिटल इंडिया एंड टेक्नोलॉजी ये सब जब डेवलप हुई, लोगों का इंटरनेट एक्सेस बढ़ा, तो ऑनलाइन रिचार्ज का हुआ। सो ये जो फेस था कन्वर्जन का, इस फेस में पेटीएम कंपनी ने सबसे पहले मोबाइल रिचार्ज फैसिलिटी चालू किया, एंड वही मोबाइल फैसिलिटी रिचार्ज करते हुए पेटीएम कंपनी आज पेमेंट एक्सेप्टेंस अदर पैरामीटर पे फोकस कर रही है। व्हाट इज दिस फेस, स्टार्टिंग जस्ट फ्रॉम अ स्मॉल आइडिया एंड आफ्टर डेवलपिंग एंड सॉल्विंग द अदर प्रॉब्लम ऑल्सो। तो ये सारी चीजें कब होगी, वेन यू आर ब्रेकिंग द इंडस्ट्री रूल। इंडस्ट्री का रूल क्या था कि मोबाइल रिचार्ज सिर्फ कार्ड से, स्क्रैच कार्ड से किया जाता है या शॉप से जाता है, बट उन्होंने वो रूल ब्रेक किया। ओला कंपनी क्या करती थी, इफ यू वांट टू गो फ्रॉम 1 to 2 ईयर यू हैव टू गो टू ऑटो स्टैंड, बुक, टेक ऑटो और कैब एंड गो टू योर डेस्टिनेशन, बट उन्होंने कैब ब्रेक किया रूल, उन्होंने ऑनलाइन बुकिंग ला लिया। हमें भी ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या, इंडस्ट्री में जो अभी ट्रेडिशन चल रहा है वो ट्रेडिशन सिस्टम को ब्रेक करके हम अलग क्या दे सकते हैं, वेर वी हैव टू फोकस। एंड आफ्टर दैट हम हमारे पास क्या ऐसा यूनिक है, हम जिसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, हमारे पास पेटेंट है, हमारे पास एक यूनिक आइडिया है जिसे हम हमारा बिजनेस प्रोटेक्ट कर पाए। क्योंकि आज अगर आपने सोचा कि यार ओला के पास उसका कंपनी है, मैं भी एक ऑटो रिक्शा बुकिंग कर सकता हूँ, यस यू कैन डू, इनिशियली छोटा होगा आगे जाके बड़ा होगा, क्योंकि ओला कंपनी भी जब हुई वो उबर के बाद हुई, सबसे पहले उबर कंपनी ये यूनिक कंसेप्ट पे काम कर रही थी एट इंटरनेशनल लेवल, आफ्टर दैट ओला कंपनी हैज कम, सो फर्स्ट कमर एंड हम बोल सकते हैं उबर के बाद ओला इज द सेकेंड कमर। सेम वॉलमार्ट इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं, बहुत लोगों ने आपने देखा होगा, तो आफ्टर दैट फ्लिपकार्ट हैज कम, फिर अमेजोन आए, तो ये सब चीजें धीरे बाद में, सो लाइक दिस यू कैन ऑल्सो वर्क ऑन द सेम आइडिया, बट यू हैव टू डेवलप यूर ओन बिजनेस मॉडल इन सच अ वे एंड यू हैव
unfair advantage, you have a competitive advantage from other, तुम किस चीज के लिए जाने जाओगे, ये क्वेश्चन का जवाब हर बार पूछना है. देन ओनली यू आर एबल टू डेवलप यूर ओन आइडेंटिटी. एंड आफ्टर दैट वी हैव अ कस्टमर चैनल, मतलब इट इज अ पाथ टू कस्टमर, कस्टमर तक कैसे पहुंचे. वी हैव अ कस्टमर सेगमेंट, शुड बी स्पेसिफिक कैटेगरी वाइज, सेक्शन वाइज, टाइप्स, बिहेवियर, और सारे B2B, B2C, हर कैटेगरी को हमें, सेगमेंट को अलग अलग फोकस करना है. आफ्टर दैट वी हैव कॉस्ट स्ट्रक्चर एंड रेवेन्यू स्ट्रक्चर. रेवेन्यू में भी ये देखना है कि एटलीस्ट 50-70% रेवेन्यू हमारा किस सेक्टर से आने वाला है. सो वेयर वी कैन फोकस मोर, क्योंकि हमारे पास 10 सोर्सेस है, बट सबसे ज्यादा रेवेन्यू जहाँ से आने वाला है, सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल जो प्रोडक्ट है, वो हमें पहले फोकस करना है. तो एक टॉप जहाँ से 50% और मोर रेवेन्यू आता है, वो सेगमेंट्स को पहले हमें टारगेट करना है. सो लाइक दिस, दीज आर द सम ऑफ द 9 एलिमेंट्स ऑन विच वी विल फोकस एंड वी विल एबल टू डेवलप अवर ओन यूनिक बिजनेस मॉडल. एक बेसिक कुछ रिकमेंडेशंस है. मैंने बहुत सारे स्टार्टअप मॉडल स्टडी किए हैं, बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स के साथ, स्टार्टअप के साथ मैंने काम किया है. तो जहाँ पे हमने देखा है कि उनका मॉडल में कॉमन क्या है, तो अगर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा तो कुछ पैरामीटर्स है जो आपके बिजनेस मॉडल में कंपलसरी आना चाहिए. उसमें से सबसे पहला है एसेट लाइट. आपने सबने देखा होगा रॉकेट लॉन्चिंग, जब भी रॉकेट लॉन्च होता है तब बहुत हेवी होता है, बट जैसे जैसे वो अपने डेस्टिनेशन के पास जाता है, उसमें से एक एक पार्ट वो छोड़ देता है. बिकॉज बाय टेकिंग अ हेवी बर्डन यू कैन नॉट ग्रो एंड अचीव योर गोल. आप ज्यादा लंबा नहीं जा सकते. फिर यहाँ पे क्या देखना है, एसेट लाइट. सेम एग्जाम्पल फिर देना चाहूंगा ओला. ओला अगर खुद की गाड़ी, खुद का ड्राइवर रखता तो आज इतना बड़ा नहीं होता. हमें भी देखना है कि हमारे बिजनेस मॉडल में हमारा एसेट ना हो, क्योंकि एसेट के साथ लाइबिलिटी भी आती है. आपने अगर बैलेंस शीट देखा होगा, एसेट के साथ लाइबिलिटी भी आती है. तो यू वॉन्ट टू बिकम अ लाइबिलिटी फ्री, आपको कर्ज मुक्त रहना है, तो आपको फिर एसेट भी क्रिएट नहीं करनी. इफ देर इज नो एसेट, देर इज नो लाइबिलिटी. सो वॉट इज दिस मॉडल, एसेट लाइट. ओयो रूम, सर एक ओयो रूम का आपने नाम सुना होगा. ओयो रूम वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग हॉस्पिटैलिटी बिजनेस ग्रुप है. हमने टाटा ताज ग्रुप, टाटा ग्रुप अलोंग विथ ली मेरिडियन, जितने भी बड़े रिसोर्ट्स एंड ये हॉस्पिटैलिटी ग्रुप है, उन सब ग्रुप के होटल को अगर हमने एक जगह रखा और ओयो को एक जगह रखा, तो भी ओयो एक नंबर पे आता. सारे ग्रुप एक जगह एंड ओयो एक जगह इन नंबर ऑफ होटल्स. Why he is able to become a number one? Because उन्होंने concept क्या लाई, hotel तुम्हारा, customer हमारे. जो customer को ओयो रूम में जाने वाला जो customer है, उसे जो सर्विस चाहिए वो सर्विस हम वहां पे प्रोवाइड करेंगे, एक वेलकम किट. तो आपका एक पुराना होटल था जो कोई सर्विस नहीं दे रहा था, इसलिए वहां पे कस्टमर नहीं आ रहे थे, बट उन्होंने ओयो ने क्या किया, वहां पे अपना ब्रांड लेबल लगाया, वहां का पूरा क्लीनिंगनेस किया, वहां का इंटीरियर चेंज किया, वहां पे आपको वेलकम किट दिया, जो फैसिलिटी अदर होटल्स में उन्होंने बस एक हम बोलेंगे कि अगर 1 करोड़ का होटल है तो उन्होंने सिर्फ एक वहां पे 5 लाख रुपए खर्चा किया, बट वो होटल का रेवेन्यू ऑटोमेटिकली ग्रो होने लगा. दिस इज द एसेट लाइट मॉडल. सो दिस मस्ट इंक्लूड इन यूर बिजनेस. ऑल्सो वी हैव ओला, अर्बन क्लैब, जियो मार्ट. जियो मार्ट ने आपने देखा होगा सर, लास्ट 1 ईयर में जियो मार्ट का जब लॉन्चिंग हुआ है, उन्होंने करीबन इंडिया के हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में अपना प्रेजेंस बना लिया है. हर डिस्ट्रिक्ट, हर स्टेट, हर तालुका प्लेस तक आप जियो मार्ट का शॉप आपको दिखेगा. हाउ इट इज पॉसिबल, ओनली उन्होंने क्या किया, किराना शॉप तुम्हारा, माल तुम्हारा, डिलीवरी बॉय तुम्हारा, सब तुम्हारा, मैं सिर्फ आपको ऑर्डर लाके दूंगा. सो दिस इज व्हाट अ एसेट लाइट मॉडल. सेकेंड, डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी. तो आप ऑनलाइन करना चाह रहे हो तो आपका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जहाँ पे हम बोलेंगे ऑनलाइन टू ऑफलाइन, ऑफलाइन टू ऑनलाइन एंड डायरेक्ट टू कस्टमर. हम नॉर्मली बोलते हैं बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू B2B, B2C. यहाँ पे मैं बोलूंगा D2C, डायरेक्ट टू कस्टमर, ये कंसेप्ट पे काम करना है. थर्ड, रिमोट एरिया वर्किंग, वर्क फ्रॉम होम. पैंडेमिक के बाद गूगल ने
अप्रोक्सीमेटली 700 करोड़ रुपए नहीं सॉरी करीबन 1200 करोड़ रुपए सेव किए वर्क फ्रॉम होम से, क्योंकि जब एम्प्लॉय आते तो एम्प्लॉय के साथ उसका वेलफेयर उसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ जाता है। सो अगर वर्क फ्रॉम होम कंसेप्ट पे और हम उसको बोलते हैं कि रिमोट वर्किंग कि भाई यू वर्क फ्रॉम होम या फिर कोई एक ऐसा प्लेस ले लो जहाँ पे आप आराम से बैठ के काम कर सकते हो, यू डोंट हैव टू वेस्ट ऑन। तो इनिशियली फेज पे हमें भी देखना है कि हमारी टीम कहाँ बैठ के काम करेगी। अलॉन्ग विद दैट लास्ट माइल डिलीवरी सप्लाई चेन इम्पॉर्टेंट थिंग है, कस्टमर तक कैसे पहुंचोगे चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो कोई भी सर्विस हो डायरेक्ट टू कस्टमर और उसमें एंड डिलीवरी तक। आज भी अमेजोन की डिलीवरी रूरल पार्ट में नहीं होती है, उन्होंने मतलब अमेजोन जैसे इतनी बड़ी कंपनी भी आज सारे पिन कोड कवर नहीं कर पाई जहां हमारा इंडियन पोस्ट काम करता है। सो आप सोचिए कि हाउ इम्पोर्टेंट द डिलीवरी चैनल सिस्टम इज, यहाँ पे हमें फोकस करना है हमारा सप्लाई चेन हमारा जो एक डिलीवरी है वो स्ट्रांग रहे सो दैट हमारा प्रोडक्ट वहां तक डायरेक्टली रीच कर पाए, और यहीं पे सबसे बड़ी मार्जिन है स्पेसिफिकली रूरल एरिया। अर्बन में आपको इशू नहीं आएगा, बट इफ यू वांट टू विश फोकस ऑन द रूरल डिलीवरी आपको रूरल इकोनॉमी पे रूरल सेक्टर पे फोकस करना है, सो यू हैव टू फोकस ऑन लास्ट माइल डिलीवरी एंड कस्टमर तक कैसे पहुंचोगे। ऑल्सो ये पूरा इकोसिस्टम में अगर आप बोलोगे सब कुछ मैं खाऊंगा फार्मर से भी मैं खरीदूंगा मैं पैक करूंगा मैं डिलीवरी दूंगा, नॉट पॉसिबल। यू हैव टू फोकस ऑन यूर सिंगल प्रोसेस, आप किस चीज के लिए जाने जाओगे, आप सिर्फ डिलीवरी के लिए। अगर फॉर एग्जांपल मैं बोलूंगा कि जियो मार्ट ने बोला कि यार मैच प्रोडक्ट सप्लाई करूंगा मैच डिलीवरी दूंगा मैच प्रोक्योरमेंट करूंगा, तो आज वो इतना बड़ा नहीं हो सकता था। यू जस्ट आप गूगल पे जाइए सर्च कीजिए जियो मार्ट के कितने शॉप से उसका प्रेजेंस एक साल में कितना बढ़ गया, विच इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग। और इसमें बेनिफिट क्या हुआ, रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल। एक किराना शॉप जिसका रेवेन्यू पहले 1,000,000 रुपए महीने का सेल होता था आज वो 1,520,000 उसका तो टर्नओवर बढ़ गया सेल बढ़ गया, तो इट इज बेनिफिशियल फॉर बोथ ऑफ देम। किराना शॉप वाला बोल रहा है यार मेरे को ये 5,00,000 का बैठे बैठे बिजनेस दे रहा है, और दूसरा जो रिलायंस है उसे इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं। सो दोनों को रेवेन्यू शेयरिंग हो रहा है, मिल के कैसे काम किया जाए इस फंडा पे काम करना। एंड इसके लिए हमारे पास की पार्टनर जो मैंने बोला था, वी हैव टू आइडेंटिफाई सम ऑफ द की पार्टनर जिसके साथ काम कर पाए। अलोंग विद दैट आउटसोर्सिंग या की पार्टनर एंड इन हाउस, कौन सी चीज इन हाउस रखनी है कौन सी चीज आउटसोर्स करनी है ये कॉस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू हमें डिसाइड करना है। ऑल्सो शेयर रिसोर्सेस, अगर हमें कॉस्ट रिड्यूस करना है तो हमें रिसोर्सेज शेयर करने हैं। फिर इनिशियली लेवल पे हमें सिंगल एक निश मार्केट हम जो बोलते हैं कि एक हमारे लोकल एरिया में पहले हमें काम करना है, ज्यादा बड़ा नहीं सोचना है मैं पूरे महाराष्ट्र में काम करूंगा या पूरे इंडिया में करूंगा। फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम योर लोकल विलेज लोकल टाउन लोकल डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाद फिर आप स्टेट का प्लान कीजिए, क्योंकि लोकल एरिया में सबसे ज्यादा आपको एनर्जी कम लगेगी ज्यादा रिजल्ट बेटर आएगा कम पीरियड में अच्छा रेवेन्यू कमा पाओगे। एंड वंस दिस मॉडल यू बिकम सक्सेसफुल फिर ये मॉडल आप रिप्लिका कर सकते हो। फर्स्ट कॉपी बनाने को मेहनत लगता है बाद में जेरोक्स करना है सिर्फ, तो इसलिए फोकस ऑन सिंगल मॉडल सिंगल एरिया निश एरिया। एंड लास्टली सोशल मीडिया एंड डिजिटल इनबाउंड मार्केटिंग हम जो बोलते हैं कि कस्टमर ऑटोमेटिक हमारे पास आए, हमें कस्टमर के पीछे नहीं जाना है, रोज हम व्हाट्सएप पे मैसेज डालो ईमेल करो इरिटेट करो कस्टमर को, ये स्ट्रैटेजी नहीं अपनानी। हमें ऐसा सिस्टम बिठाना है कि ऑटोमेटिकली कर। ओला कभी आपको फोन करके बोलता है कि सर क्या हो गया एक महीना हो गया यार बुकिंग ही नहीं की, क्या हुआ कहीं जाना ही नहीं जाना, हमें जरूरत है तो हम ओला के पास जाएंगे। सो व्हाट टाइप ऑफ मार्केटिंग दे हैव क्रिएटेड वहां फोकस करना है, ऑटोमेटिकली कस्टमर हमारे पास है हम कस्टमर के पीछे नहीं जाना है। एंड लास्टली ये सब करते वक्त हमें कुछ पब्लिसिटी अवेयरनेस भी करना है लोकल लैंग्वेज में मराठी हिंदी में। सो कुछ चीजें जो आपके बिजनेस मॉडल में होना चाहिए मैंने रिकमेंड किए हैं। एंड लास्टली पोस्ट कोविड वर्ल्ड में हमारे पास कुछ ऐसे सेक्टर्स है जो मैं रिकमेंड करना चाहूँगा जहाँ पे यू कैन थिंक फॉर योर बिजनेस, यू कैन थिंक यू कैन ट्राई योर आइडिया। सो एक है एजुकेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि आज भी रूरल पार्ट में स्कूल्स चालू नहीं है, एक महीना चालू होता है फिर गवर्नमेंट रेगुलेशन आ जाता है स्कूल बंद करो ड्यू टू कोविड पैंडेमिक। सो देयर आर वेरियस रीजंस,
And in such scenario, the loss is of a student. हम fundamental right बोल रहे हैं. Right to education is the fundamental right given by our constitution, but not able to give to our children. 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, आज भी हमारा बच्चे का future क्या है किसी को पता नहीं. एंड कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चा का करियर रिस्क पे लेना नहीं चाहेगा, वेदर उसका इकोनॉमिकली फाइनेंशियली कैपेबिलिटी हो या ना हो. सो दिस इज वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. एंड एग्जाम्पल यहाँ देना चाहूंगा बायजूस. बायजूस ने यही अपॉर्चुनिटी को एनकैश करते हुए लास्ट 2 ईयर्स में बिकम लीडर ऑफ दिस एजुकेशन सिस्टम. ऑनलाइन एजुकेशन है, ऑफलाइन है, एजुकेशन सिस्टम में आप काम कर सकते हो, अलॉन्ग विद द एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में काम कर सकते हो. स्पेसिफिकली मैं क्लाउड किचन की, भाई कुछ नहीं, ज्यादा नहीं आता है मुझे, सिर्फ मैं अच्छा खाना बना सकता हूँ, मैं इनोवेटिव, मुझे शौक है, मेरा हॉबीज है उसे. आप आपका एक फूड रेस्टोरेंट कीजिए, आप जोमेटो और स्विगी पे ये कर दीजिए, जहाँ जोमेटो स्विगी नहीं है वहाँ पे आप फोन पे ऑनलाइन ऑर्डर लीजिए, लोगों को आपका यूनिकनेस दीजिए. देन यूर ब्रांड बिकम आफ्टर वर्ड्स दैट आपका एक ब्रांच से चालू हो गया तो आप 2 ब्रांच 3 बार 10 ब्रांच पे कर सकते हैं. फिर आपको क्या करना है, आपकी जो यूनिक थेरेपी है, रेसिपी है, वो रेसिपी को स्टैंडर्डाइज करना है. वो रेसिपी को आपको अदर्स कुक को सिखाना है, वो प्रोसेस में बिठाना है. यू विल बिकम अ ब्रांड इन कमिंग डेज. कोई भी ब्रांड स्टार्टिंग में बहुत छोटे से शुरुआत हुई है. तो ये नहीं सोचना कि यार मैं एक वड़ा पाव बना के क्या कर सकता हूँ. आज हमारे पास गोली वड़ा पाव है, आज हमारे पास जोशी वड़ा पाव है. तो ये ब्रांड स्टार्टिंग में बहुत छोटे थे, ओवर द पीरियड उन्होंने जो अपना एक प्रेजेंस बनाया, एक टेस्ट, एक कंसिस्टेंसी रखी, इस पे आज वो मुकाम पे पहुंच पाए. अलोंग विद दैट गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग का आज बहुत शौक है. हम हमारे बच्चों को बोलते कि यार गेम मत, बट ऐसा कुछ कर सकते क्या कि गेम खेलते खेलते एजुकेशन या एक एंटरटेनमेंट हम दे सकते हैं क्या, सो दैट उनका एजुकेशन भी हो और एंटरटेनमेंट भी हो. तो ये बहुत कॉम्बिनेशन पे हमें काम कर सकते हैं. अलोंग विद दैट हमारे पास इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड चार्जिंग स्टेशन में बहुत अच्छा स्कोप है. फिर हेल्थ एंड फूड सप्लीमेंट, क्योंकि लोग आज इम्यून सिस्टम को लेके एंड न्यूट्रिशन को लेके बहुत इमोशनल है. अगर आप बोलो कि यार ये 5,000 रुपीज का ये सप्लीमेंट ले लो तो आपको कोरोना नहीं होगा, तो एवरीबडी विल गो यार ये चलो ये ले लो, क्योंकि इंडिया में हेल्थ कॉन्शियस का आज बहुत अवेयरनेस बढ़ चुका है आफ्टर दिस कोविड. सो दिस पोस्ट कोविड एनवायरमेंट आई रिकमेंड यू ऑल ऑफ दिस सेक्टर आज वी हैव वेरी गुड पोटेंशियल. यू कैन ट्राई यूर बिजनेस आइडिया इन दिस. रिटेल ई कॉमर्स है, हेल्थ केयर है, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग, ये एक नया कंसेप्ट है. नॉर्मली हम क्या करते हैं, सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल मशीनरी या कोई भी इसमें मैन्युफैक्चरिंग नहीं जाते. हमें ऐसा देखना है कि हमारा आज हम ये प्रोडक्ट बना रहे, कल जाके हम दूसरा प्रोडक्ट यही मशीनरी से कैसे बना पाए. सेम प्लांट, सेम मशीनरी, सेम लेबर, जस्ट वी हैव टू शिफ्ट फ्रॉम वन प्रोडक्ट टू अनदर. इफ वी आर एबल टू सेट अप सच अ प्लांट इन अ मैन्युफैक्चरिंग, वी आर एबल टू मूव. यहाँ पे एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा नोकिया का. नोकिया ने एंड्रॉयड सिस्टम एक्सेप्ट नहीं की, लोगों ने नोकिया को रिजेक्ट कर दिया. नाउ दे हैव कम टू नो कि अब मुझे एंड्रॉयड लिया बगैर ऑप्शन है. अब जब एंड्रॉयड का सॉफ्टवेयर नोकिया ने अडॉप्ट किया, फिर से मार्केट में लॉन्च किया, तो फिर लोग उसको एक्सेप्ट करने लगे. सो बाय वन फ्लेक्सिबल होना है. अगर हम सीधा रहेंगे तो ज्यादा नहीं चल पाएंगे, हमें डाउन टू अर्थ होना है. हमारे बिजनेस को फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग मॉडल में बनाना है, सो दैट मार्केट के कंडीशन के हिसाब से, डिमांड सप्लाई के हिसाब से, कस्टमर के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वी कैन फ्लेक्सिबल. 2-3 एग्जाम्पल यहाँ देना चाहूंगा. देश का पहला पान ATM, हमारा ये शौकीन पान है जो पुणे में नल स्टॉप बोल के हमारा एरिया है, करवे नगर, इट इज नियर डेक्कन एरिया. सो यहाँ पे उन्होंने कोविड पैंडेमिक में देखा कि यार पान देना है तो इससे इन्फेक्शन फैल सकता है, तो उन्होंने एक सारे वराइटीज बना के मशीन में लगा दिए. जो वराइटी चाहिए वहां पे आप पैसा डाल दो, यू कैन पे ऑनलाइन ऑल्सो, और आपका पान आपके सामने आ जाएगा. ये फ्रिज है तो क्वालिटी मेंटेन रहती है, खत्म हो गया तो वो पीछे से रिचार्ज कर देते हैं, और इसके वजह से उनका 10 आदमियों का काम बच गया, पीछे आदमी से बना के रख देते. दिस इज अ यूनिक कंसेप्ट, दिस इज अ नीड एंड नेसेसिटी ऑफ द करंट सिचुएशन पोस्ट कोविड में. दूसरा यहाँ पे एक और एक चीज बोलना चाहूंगा, इफ यू ट्राई टू रिमेन यूनिक यू विल बी द ओनली वन. ये एक फंडा है. इफ यू ट्राई टू रिमेन यूनिक यू विल बी द ओनली वन. फेविकॉल,
यूनिक रहा है। कोई भी चीज अगर हमने देखा, अगर हमें कुछ जोड़ना है तो हम क्या बोलते हैं, यार फेविकॉल ले लो। ये जो ब्रांड डेवलप हुआ है ये किस लिए, क्योंकि उन्होंने एक यूनिक रिमेन यूनिक रहा है वो। पिछले 25 साल से हम देखते हैं कुछ भी टूट गया तो फेविकॉल का जोड़ है, ये टूटेगा नहीं। हमने ऐड भी देखी है, ऑल्सो सेरेलैक, बच्चे के लिए कोई भी हो हम सेरेलैक लेते हैं, चाहे वो कोई भी ब्रांड हो, हम क्या बोलते हैं भाई वो सेरेलैक दे दो, बच्चे को सेरेलैक खिला दो इन अर्ली 6 मंथ पार लीजिए। यहाँ पे मैं जस्ट मिनट, इफ यू ट्राई टू बी द बेस्ट, मैंने यहाँ पे दो स्ट्रेटेजीज आपको दी है। वन, इफ यू ट्राई टू रिमेन यूनिक यू विल बी द ओनली वन, बट इफ यू ट्राई टू बी द बेस्ट, यहाँ पे यूनिक भी नहीं रहना है, यहाँ पे बेस्ट रहना है। सो आज भी पार्ले जी का तोड़ नहीं आया है, मार्केट में इतने ब्रांड आए इतने ही आए, बट आज भी पार्ले जी का तोड़ नहीं, क्यों, क्योंकि दे विल ट्राई टू बिकम बेस्ट। तो आपको अभी डिसाइड करना है, यू वॉन्ट टू बिकम अ बेस्ट और यू वॉन्ट टू बिकम अ यूनिक और यू वॉन्ट टू बिकम अ बोथ, सो दैट यू विल बी अ लीडर इन द मार्केट। आज भी पार्ले जी उसका प्रोडक्शन कॉस्ट इज अप्रोक्सीमेटली 4 रुपीज है, 50 पैसे मार्जिन पे वो रिटेलर को देता है, 50-25 या 50 पैसे मार्जिन से उसको मैन्युफैक्चर को रहता है। सो दिस इज व्हाट एट वेरी लोएस्ट मार्जिन ही विल बी अ लीडर इन द मार्केट। आज तक इस सबसे ज्यादा सेलिंग जो है इन द रूरल एरिया, हर एक दुकान हर एक गांव हर एक तांडा पे आपको पार्ले जी का मिलेगा। व्हाट टाइप ऑफ यूनिक बिजनेस थे, आज भी 5 रुपए में मिलता है, जब पेट्रोल 110 चले गया तो भी आज 5 में ही ये मिलता है। उन्होंने आज लॉजिस्टिक कैसे मैनेज की है, वी कैन स्टडी ऑल दिस मॉडल। सो आई थिंक बिजनेस मॉडल है लास्ट पार्ट ऑफ दिस टुडे सेशन, हम और हमारी कोर टीम पे आएंगे। सर आपने आइडिया बोल दी, बिजनेस मॉडल बोल दिया, अब हम टीम कैसे डेवलप किया जाए, तो टीम बनाने के लिए कुछ पैरामीटर्स है जो हम बोलते हैं कि सोने के अंडी देने वाली मुर्गी। तो हमारे मेंबर्स जो होते हैं वो गोल्ड मेकर होने चाहिए, बेस्ट इन द इंडस्ट्री। हमारी टीम ऐसे होनी चाहिए कि 4 लोग 8 लोग जितने भी हम लोग मिलकर काम करना चाहेंगे, हमारे कोर टीम में बेस्ट इन द इंडस्ट्री आदमी होना चाहिए, चाहे फिर वो मैन्युफैक्चरिंग पे रहो, चाहे डिलीवरी में रहो, चाहे फिर सेल्स में रहो, मार्केटिंग में रहो, फाइनेंस में रहो, बेस्ट पर्सन इन द इंडस्ट्री को हमें हमारे टीम में लेना है। ओनली देन यूअर बिजनेस और यूअर मॉडल विल बिकम सक्सेसफुल। ऑल्सो इसके एक लेवल्स है, इस टीम को हम डिवाइड करेंगे। फर्स्ट हमारा एक फाउंडर या को फाउंडर होगा जिसने आइडिया लाई है, जो मैनेजमेंट लेवल पे होगा। आफ्टर दैट एक एक्सपर्ट एग्जीक्यूटिव टीम होगा जिसमें हर सेक्टर में, कोई आईटी में, कोई फाइनेंस में, कोई मार्केटिंग में, कोई मैन्युफैक्चरिंग, कोई प्रोडक्शन, कोई सोशल मीडिया। आफ्टर दैट वी हैव अ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा फिर हम हर एक डिपार्टमेंट का एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रखेंगे, जिसके अंडर, जिसके लीडरशिप के अंडर इनिशियल लेवल पे हमारे फाउंडर या हमारे टीम में से ही कोई वो एचओडी रहेगा। आफ्टर दैट द एक्चुअल एम्प्लॉय एंड स्टाफ ऑफ दैट कंपनी और यूअर बिजनेस विल वर्क अंडर द their direction and guidance on day to day basis, and हमें ये टीम बनाते वक्त कुछ 3-4 चीजें फोकस रखनी है। जैसे राइट पर्सन को राइट जॉब देना है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये हो जाता है कि यार आदमी नहीं है, चलो जो हाजिर तो वजीर अपन बोलते, ऐसा कंसेप्ट पे काम नहीं करना है। राइट पर्सन को राइट जॉब देते हैं उसके स्किल के हिसाब से, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। सो एज अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट इफ आई एम टेलिंग यू यार सर आप मार्केटिंग ऐसा करो, आई मे बी अ रॉन्ग, आई एम नॉट अ राइट पर्सन, बट इफ आई से कि सर हमें फंड रेज कैसे करना है, हमें ये बिजनेस को फाइनेंशियली स्ट्रांग कैसे बनाना है, सो आई मे बी अ राइट पर्सन हु कैन गाइड। सो किस पर्सन से किस कौन सा जॉब करवाना है, ये स्किल हमें हमारे पूरे ये फेस में ध्यान में रखनी है। अलॉन्ग विद दैट उसका कैपेबिलिटी भी देखना है, उसका डिवोशन देखना है, उसका विलिंगनेस देखना है और उसका वर्क कल्चर, ये 4 चीजें ध्यान में रखनी। क्योंकि नॉर्मली हम क्या बोल दे यार चलो ठीक है कैपेबल है पर्सन कर लेगा, बट वो डिवोटेड नहीं है, जब मूड में आता है काम आता है। तो कैपेबिलिटी के साथ डिवोशन भी देखना है, और सिर्फ डिवोशन होके काम नहीं, विलिंगनेस भी देखना है, क्योंकि यार उसकी इच्छा है क्या, आपकी इच्छा है, आपको पता है कि ये पर्सन अच्छा काम कर पाएगा, बट उसका भी विलिंगनेस चाहिए। एंड पूरे अपना बिजनेस में एक वर्क कल्चर चाहिए, जो वर्क कल्चर में आपको काम करना है। बिकॉज इफ वर्क कल्चर इज नॉट देयर, लॉन्ग टर्म हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे और कोई भी बिजनेस हम एक लेवल तक नहीं पहुंचा पाएंगे। एंड लास्टली ओवर हायरिंग नहीं करना है,
क्योंकि अगर हमने ज्यादा आदमी ले लिए या ज्यादा टीम ले ली, कम भी नहीं लेना है, ज्यादा भी नहीं लेना है, एज पर रिक्वायरमेंट, एंड ओवर हायरिंग लेंगे तो आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा, आप एक लेवल के बाद सस्टेन नहीं कर पाओगे। ऑल्सो लीन फॉरवर्ड एंड किक बैकवर्ड, आगे जाना पीछे का भूल जाना, ऐसा नहीं करना है। फर्स्ट रिक्रूटमेंट से करंट रिक्रूटमेंट तक सारे टीम मेंबर्स का डेली बेसिस पे इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। तो जैसे जैसे हम बिजनेस बढ़ाएंगे, टीम बढ़ाएंगे, सिर्फ नए मेंबर्स को फोकस करना, पुराने के पास निगलेक्ट करना, ऐसा ना हो, इसलिए हमें पूरा मैनेजमेंट जो है वो प्रॉपरली रखना है। एंड दो चीजें पे फोकस रखनी है, चाइना से हमने ये सीखा है, चीप लेबर एंड स्किल मैन पावर। इंडिया में चीप लेबर कंसेप्ट है एंड चाइना में स्किल मैन पावर का कंसेप्ट है। तो हमें प्रोडक्टिविटी पे फोकस करना है। तो यहाँ पे हम अगर बोलेंगे 500 के दो आदमी लगा के काम करे या 1000 का एक, तो आई विल रिकमेंड कि 1000 का एक लगाओ, क्योंकि इट विल गिव अ मोर प्रोडक्टिविटी। तो दैट डिसीजन वी हैव टू टेक लेबर एंड मैन पावर में। एंड ऑल्सो वी नीड सम ऑफ द एडवाइजर्स एंड मेंटर्स हु विल गाइड इन दिस जर्नी। तो आपको कुछ ऐसे मेंटर्स भी देखने हैं, कुछ एडवाइजर्स देखने हैं जो आपको हर स्टेज पे गाइड किया जाए कि हाउ यू आर गोइंग टू डेवलप योर बिजनेस। एंड लास्टली कोर टीम का एक बेसिक डेफिनेशन मैं आपको बोलूंगा कि ये टीम आपकी कोर टीम है, ये कैसे पहचाना जाए। तो कोर टीम गिव्स यू अ फीलिंग टू द इन्वेस्टर और टू द प्रमोटर एंड द ओनर्स ऑफ द बिजनेस दैट दे विल क्रैक एनी प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगर वो टीम निकाल पाए तो यस, तब हम बोलेंगे कि यस दिस इज माय कोर टीम एंड दिस इज माय एक्सपर्ट टीम। सो आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड द आइडिया, द बिजनेस मॉडल एंड द कोर टीम पार्ट। लास्टली आई थिंक इट इज 6:36, सो सर हाउ मच टाइम इज अवेलेबल फॉर मी? शांतनु सर, we'll take a audience poll. I think we can take questions or it is almost 6:40, so we can take a questionnaire. More 5 to 10 minutes. Yes. Okay, we have to end by 6:45, sir. Okay. Any questions from the audience, sir? एक क्वेश्चन आंसर सेशन हम लेंगे, जितना अभी तक हमने डिस्कस किया है, एंड देन लास्टली मैं कुछ मॉडल्स आपको बता दूंगा जो आज सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। सो आई एम हैप्पी टू इंटरेक्ट विथ ऑल ऑफ यू। अभी तक हमने जो जो चीजें डिस्कस की है, अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप अनम्यूट कर सकते हो, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्टिल इफ यू वॉन्ट टू कनेक्ट मी, मेरा ईमेल आईडी है cmayurmantri@gmail.com, मैंने स्क्रीन पे शेयर की है। माय मोबाइल नंबर इज 9420215890। यू कैन कॉन्टैक्ट मी और यू कैन सेंड अ व्हाट्सअप ऑल्सो, आई प्रेफर ईमेल। सो नाउ वी कैन स्टार्ट अ क्वेश्चन आंसर सेशन। एंड ऑल्सो वॉन्ट टू गेट अ फीडबैक फ्रॉम ऑल ऑफ यू सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ ऑल्सो, बिकॉज आई एम ऑल्सो इन अ लर्निंग फेज and all of you have a great experience in your business. I'd like to hear from you. Thank you. Mayur Mantri ji, aapka thank you. In very short while, aapne jo presentations diye hain, FIP ke members, out of the FIP members bhi kuch aaye hue hain. So we are thanks for you and the, your valuable time and the information about the MSME. जो आज का MSME के लिए आपने जो support किया और जो presentation सब हुआ है, उसके लिए I'm thanks to you as well as the Navnath sir के, they have taken opportunity to us. I request all the members or participants, if any question, please raise the hand. So we will go with the one by one. With the questionnaire. Or if you want to any questionnaire ask, you can use the chat box. I can read the questions and I can ask him. अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है आप चैट बॉक्स में डालिए, आपने
नमस्कार सर, एक इन हाँ बोलिए बोलिए सर। नमस्कार, मैं जितेंद्र ठक्कर गांधीधाम गुजरात से बोल रहा हूँ। सेशन बहुत अच्छा रहा और वेरी फैक्ट एंड फिगर्स के साथ जो बता रहे थे बहुत अच्छा लगा। मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहता है, बराबर है, तो उसको एक एक स्टेज पे जो इकोसिस्टम में एडजस्ट होने के लिए उसको पूरी चीजें नई है उसमें उनको हेल्प करने के लिए जो कोई कंसल्टेंट चाहिए या कोई फ्रीलांसर चाहिए, ऐसा कोई है वेबसाइट या ऐसा कोई फ्रीलांसर है जो अलग अलग जगह पे, मतलब टैक्सेशन वाइज, बिजनेस वाइज, इंडस्ट्री वाइज, वो उसको एडवाइस दे सके और स्टार्टअप सेटिंग करने में भी हेल्प करे, ऐसा कोई प्राइवेट कंसल्टेंट या ऐसा फ्रीलांसर कोई है वेबसाइट या वो, उसका आप शेयर कर सकते हैं लिंक वगैरह? जितेंद्र जी, वेरी गुड क्वेश्चन। यस नोना, जितेंद्र जी आपने काफी अच्छा सवाल यहाँ पे बताया है। डेफिनेटली आपने जो सवाल पूछा है ये एवरी स्टार्टअप के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, और फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एंड प्रोफेशनल्स का जो कोर ऑब्जेक्टिव है ना, वो कोर ऑब्जेक्ट ही यही है कि जहां पे भी लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है उनको सपोर्ट करें, उनके प्रॉब्लम्स को अपना प्रॉब्लम समझ के डिलीवर हो। इसलिए फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज जैसे कि फिप है, आज पहला नेशनल स्टार्टअप हम लोग सेलिब्रेशन करें स्टार्टअप दिन, और ये सेलिब्रेशंस के टाइम पे आपने काफी अच्छा सवाल पूछा है। डेफिनेटली आपके सारे सवालों का जवाब फिप के प्लेटफॉर्म पे मिलेगा, यहाँ पे अलग अलग एक्सपर्टीज रहती है, और आपको जो भी चैलेंज है वो चैलेंजेस ईमेल के साथ आप हमारे साथ कम्युनिकेट कीजिए, डेफिनेटली इसके ऊपर आपको सोल्यूशन मिलेगा। अगर आपको प्राइवेटली सोल्यूशन चाहिए प्राइवेटली मिलेगा, ये फिप के ऊपर सोशल प्लेटफॉर्म है, कुछ चीजें आपको फ्री मिलेगी, कुछ चीजें आपको पेड मिलेगी, डेफिनेटली यहाँ पे आपको सारे आंसर्स मिलेंगे सर। और मयूर मंत्री साहब तो हमारे साथ है ही है। सर यहाँ पे मैं और एक चीज बताना चाहूंगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टार्टअप इंडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हो आपके स्टार्टअप को, आपके बिजनेस को, आपके आइडिया को। अलॉन्ग विद दैट यू कैन गेट अ कंसल्टेशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑल्सो ऑल्सो यू इंडस्ट्री। यहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट्स है एवरी सेक्टर, जैसे हम बोलेंगे फाइनेंस है, टेक्नोलॉजी है, आपको बिजनेस मॉडल डेवलपिंग करना है, आपको प्रेजेंटेशन करना है, आपको आपका कंपनी का लोगो बनाना है, तो फॉर एवरी फेस ऑफ देम यू विल गेट अ बेस्ट एक्सपर्ट इन दिस प्लेटफॉर्म। ऑल्सो इन एडिशन टू डैट आपका बिजनेस इनोवेटिव बना के उसको एक सक्सेसफुल बनाना है, ये जर्नी में डेफिनेटली all the FIP team member and all the experts are with you. So aap ek email daliye definitely aapka jo bhi support you are expecting aapko support milega. One more question, mere question mein thoda addition karna chahta hu sir. Yes sir, ye jo aap samjhiye ki for example maine registration karwaya meri company ka, जस्ट डायल जैसी बड़ी कंपनी है, जैसे रिलायंस इसके शायद परचेस कर चुकी है अभी, लेकिन क्या है जब रिजल्ट नहीं मिलता है पैसा देने के बाद में, ठीक है, तो हमारा पैसा ऐसा लगता है कि चला गया, जैसे हमने रजिस्ट्रेशन करवा लिया कुछ 25,000-30,000 दे के, लेकिन हमको जो चाहिए लीड्स नहीं मिल रही, मतलब ऐसे भी ये जो कोई भी हम काम कराएंगे तो वो ले तो लेंगे, हमको वो कंसल्टेंट तो मिल जाएंगे, तो पैसा दिया वो काम कर, लेकिन हमको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम वेबसाइट बना रहे हैं तो हमको जो रिजल्ट जानना चाहिए चाहूंगा आपका वो नहीं मिल रहा है, तब क्या करने नेचर ऑफ बिजनेस, हाँ आपका करंट नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, आप किस सेगमेंट में आप करते हो करंटली? एक्चुअली मैं तो कंसल्टेंट हूँ और मैंने अभी 2 साल से ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह चालू किए जीएसटी स्किल सेंटर का, जो लोकल में जीएसटी अकाउंटेंट और टैक्स कंसल्टेंट हम लोग गाइडेंस देते हैं। सर ये एक मैं आपको सर एक रिक्वेस्ट करूंगा, आपका जो भी प्रॉब्लम है आप थोड़ा ईमेल डालिए,
डेफिनेटली उस पर हम सोल्यूशन निकालेंगे, और दूसरा आपके आइडिया को एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल में कैसे कन्वर्ट किया जाए, सो दैट आपको एक रिकरिंग रेवेन्यू एक कंसेप्ट होती है कि हम एक बार काम करें बाद में ऑटोमेटिकली पैसा कैसा आ जाए, उस मॉडल को हमें फोकस करना है. सो थोड़ा हमें इनडेप्थ डिस्कशन करना पड़ेगा. दिस इज वेरी ब्रॉड कंसेप्ट. आपका क्वेश्चन जायज है कि एक स्टार्ट करने के बाद या एक लेवल पे जाने के बाद हमें आगे ग्रोथ नहीं दिखती, सो इस मोड पे हम कैसे आगे बढ़ा जाए. सो डेफिनेटली इट इज वेरी जेन्युइन क्वेश्चन, एंड जस्ट रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक ईमेल डालिए, डेफिनेटली आपको एक ईमेल में प्रॉपर सॉल्यूशन मिला जाए. सो हमारे पास प्रणव जी है जिनका एक क्वेश्चन है कि 2 crore इज द लास्ट टर्नओवर, इट रिक्वायर एज अ स्टार्टअप और व्हाट. यस सर क्वेश्चन के लिए विजय चंद्र सर बोलना चाहते हैं. विजय चंद्र सर, हाँ बोलिए ना सर. आप कुछ बोलना चाहते थे बीच में. हाँ सर, ये एक्चुअली ऐसा है कि जितेंद्र जी का जो क्वेश्चन था या सब एंटरप्रेन्योर का यही एक क्वेश्चन है कि क्या सही है क्या गलत है. तो जो आज फिप का जो बॉन्ड हुआ है उसी प्लेटफॉर्म के लिए हुआ है कि वहां पे हम लोग कलेक्टिवली सबके क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स लेंगे और जो एक पैनल डिस्कशंस होगा, जो एक्सपर्ट्स होंगे, उसका जो रिजल्ट आएगा दैट वी विल शेयर्स विद द ऑल द एमएसएमई. अभी जैसे ठक्कर साहब का कुछ प्रॉब्लम्स है तो और किसी का प्रॉब्लम्स है, सो देन वी आर प्लानिंग टू ओनली एंड ओनली द प्रॉब्लम डिस्कशंस विद द पैनलिंग. तो जैसे ही हमारे पास सबका क्वेश्चन ही आएंगे या कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे तो वी विल सिलेक्ट द पैनलिस्ट एंड वी विल टॉक ऑन दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स एंड वी गेट द सॉल्यूशंस फ्रॉम दैट. दैट इज द वी आर प्लानिंग ऑन. सो आप फिप से कनेक्ट करिए, मेल आईडी लिखा हुआ है, मयूर सर का है, फिप का है, आप जिसके ऊपर भी आप मेल डालेंगे वी विल कनेक्ट विथ यू एज सून एज वी विल स्टार्ट दिस पैनलिंग डिस्कशन सर. और जो भी सपोर्ट लगेगा आपको तो देन दैट वी विल गिव यू दैट सपोर्ट फ्रॉम द सेम प्लेटफॉर्म. सर और किसी का क्वेश्चन है? एक क्वेश्चन सिर्फ आई थिंक प्रणव दोषी सर का था कि 2 crore इज द एटलीस्ट टर्नओवर इज रिक्वायर्ड एज अ स्टार्टअप और व्हाट. सर स्टार्टअप के लिए ऐसा कोई कंडीशन नहीं. अगर आपको इनिशियल पब्लिक ऑफर, आपको अगर लिस्ट करना है आपका बिजनेस, हम जिसको बोलेंगे पब्लिक फंडिंग, हमें कोई प्राइवेट इन्वेस्टर से नहीं लेना है, तो पब्लिक कंपनी करने के लिए 2 crore टर्नओवर का है अगर आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. तो स्टार्टअप के लिए कोई कंडीशन नहीं, आप एक जस्ट एक प्राइवेट लिमिटेड या पार्टनरशिप या LLP आप फॉर्म कर सकते हो एंड उसको आपको स्टार्टअप बोल के रजिस्टर करना है गवर्नमेंट पोर्टल पे. आफ्टर दैट आपको एक आइडिया पे काम करना है, आइडिया के बेस पे आपको एक बिजनेस मॉडल बनाना है और वो बिजनेस मॉडल पे आपको एक छोटा सा मॉडल रन करना है. अगर वो मॉडल सक्सेसफुल हो गया फिर उसको आपको धीरे धीरे एक्सपांड करना है, स्केल अप करना है. सो ये जो स्टार्टअप की प्रोसेस जो आज हमने डिस्कस की उसकी शुरुआत आप एक कंपनी रजिस्टर करके कर सकते हो. अगर इस रिगार्डिंग आपका और कुछ फर्दर क्वेरी है तो आप मुझे ईमेल कर दीजिए. सो आई थिंक और किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो आई थिंक हम डिस्कस कर सकते हैं एंड देन कैन एंड फॉर योर टुडे सेशन. मयूर सर, सबसे पहले मैं, आज भारत का पहला नेशनल स्टार्टअप डे है तो ये नेशनल स्टार्टअप डे के मौके पे मैं सब लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ ताकि और जितने भी स्टार्टअप इंडिया में आ जाएंगे उनके लिए स्टार्टअप को एक बैकअप सिस्टम देने का काम फिप करेगा, ये भी एश्योरेंस यहाँ पे देता हूँ. आज का जो दिन है वो दिन हम सब के लिए, जितने भी भारत के स्टार्टअप्स है सबके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है. मोदी साहब ने ये पहला स्टार्टअप डे 16 जनवरी को डिक्लेयर किया है और ये डे के अवसर पे बहुत सारे बेनिफिट्स भी स्टार्टअप को डिक्लेयर होने वाले हैं, डिक्लेयर किए मोदी साहब ने.
तो इसका बेनिफिट डेफिनेटली हम सब लोग कोलैबोरेटिवली ले लेंगे। सो मयूर साहब, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप फिप के प्लेटफॉर्म पे आए, आपका टाइम निकाल के अपने बहुत कुछ इनपुट्स यहाँ पे देने की कोशिश की है, ताकि जो स्टार्टअप्स आने वाले हैं उनको पहले से ही अगर ये सारी प्रोसीजर पता रहेंगी तो उनको काम करने में, डेवलप होने में बहुत सारा हेल्प होने वाला है। सो थैंक यू वेरी मच मयूर सर। ओवर टू विजय सर। या थैंक यू मंत्री सर वंस अगेन टू गिव अस अ गुड टाइम एंड इंफॉर्मेशन अबाउट स्टार्टअप। इसके साथ में आई कैन हैंड ओवर टू शांतनु सर एज अ लास्ट डायरेक्टर एंड थैंक्स गिवन टू मयूर सर। थैंक यू शांतनु सर, हैंड ओवर टू शांतनु सर। थैंक यू सर एंड थैंक यू मयूर जी, फंटास्टिक एक्सप्लेनेशन, नाइस प्रेजेंटेशन। जैसे मोदी सरकार ने अभी ये स्टार्टअप अपने को देश को दिया है, ये एक बहुत बड़ा टर्न है ऐसे मुझे लग रहा है देश के हिसाब से, और ऑल एंटरप्रेन्योर, भले वो छोटा एंटरप्रेन्योर रहे, मीडियम स्केल एंटरप्रेन्योर रहे, बहुत ही बड़ी स्टेप अभी ये ली हुई है। तो मुझे लग रहा है कि इट इज अ इनोवेट फॉर इंडिया एंड इनोवेट फ्रॉम इंडिया, मतलब हम इंडिया के लिए ये इनोवेशन कर रहे हैं, भले वो प्रोडक्ट रहे कुछ भी रहे, और हम इंडिया से वो इनोवेशन कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज है ग्लोबली ऑल्सो, कुछ भी इनोवेशन ऑल ओवर वर्ल्ड जाएगा इंडिया से, तो ये बहुत बड़ी चीज है, और ये स्टार्टअप उसके लिए, अपने लिए, सबके लिए फायदेमंद फ्यूचर में होने वाला है, इसमें कोई शंका नहीं। और मुझे लग रहा है कि स्टार्टअप इज अ बैकबोन ऑफ नाउ ऑल द एंटरप्रेनर्स, और ये इसका फायदा ऑब्वियसली फीप अपने साथ है, और फीप जरूर इसके लिए काम करेगी आगे, और हर एक का बिजनेस इससे बढ़ेगा। और आपने बहुत ही बढ़िया इस सिलसिले में पूरी जानकारी दी है, और इस जानकारी के नजर रखते हुए ऑल वी पीपल विल डेफिनेटली मूव अहेड। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन मयूर जी, एंड ओवर टू यू विजय सर। आई थिंक इट्स अ फंटास्टिक प्रेजेंटेशन एंड एवरीथिंग इज रियली क्लियर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय व्यूज, एंड थैंक यू ऑल द ऑडियंस हु आर पेशेंसली लिसनिंग फ्रॉम लास्ट आई थिंक 2 hours। इट्स माय बैड हैबिट, मैं किसी को बोलने नहीं देता हूँ, बट आई एम वेरी मच आई वांट टू बिकम अ वेरी गुड लिसनर आल्सो, एंड फ्यूचर में आप सबसे इंटरेक्ट करने का मैं चाहूँगा। सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी एट my mobile number, you can send the email also, and you can also connect to a FIP, which is a very good platform for all of your solution at one place. Thank you FIP team, thank you Navnath sir, thank you all of them, and definitely we will become a part of this whole process and this ecosystem. Thank you sir. सो थैंक यू ईच एंड एवरी वन, जितने भी पार्टिसिपेंट्स आज यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, सब लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। और हमें अगर ऊंचाई पे पहुंचना है तो गरुड़ की जैसे ऊंचाई तक जाना जरूरी है, कौवे के जैसे अगर हम लोग हमारा जर्नी करेंगे तो हम लोग कभी भी आकाश की ओर नहीं जा सकते। तो एक छोटी सी थीम के साथ में आज का मीटिंग हम लोग फिनिश करेंगे। Thank you very much to the all the participants, and especially thanks for the Mayur sir. Thank you. Yeah. Good night. Good night. Good night, everyone.